its time to experience something glorious unacademy combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge on academy combat register now so hello everyone very good evening to all good evening good evening good evening hello salam namaste adab फटाफट सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ अपने सेशन में मेरे प्यारे भाइयों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चीज आओ आज कुछ नया सीखते हैं आओ आज कुछ नया सीखते हैं यस yes, मेरे प्यारे भाइयों एंड बिफोर स्टार्टिंग द ब्यूटीफुल सेशन बिफोर स्टार्टिंग द ब्यूटीफुल सेशन आई अनाउंस यू टू गिश कि हमारा अनएकेडमी कॉम्बेट होने वाला है इस बार 26 जनवरी को अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फटाफट आपको रजिस्टर कराइए रजिस्ट्रेशन इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन के दौरान तो आप एक इनवाइट कोड मेरा कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं सो माय डियर फ्रेंड दिस इज नथिंग बट एक 65 मिनट का एक टेस्ट होगा जिसके अंदर आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी देन उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स दिया जाएगा नाव वी आर स्टार्टिंग नाओ गाइज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से येस yes, आज का जो सेशन है दैट इज द बोल्टेड एंड रिप्टेड एंड वेल्टेड ज्वाइंट मेरे प्यारे भाइयों ये तीनों ज्वाइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि आपको पता है मैंने मशीन डिजाइन का कम्प्लीट सेशन एक ले लिया है पूरा आपका मैंने रिविजन करा दिया है सैटरडे एंड संडे में आपने देखा होगा मेरे प्यारे भाइयों सेटरडे एंड संडे मैंने पूरा टोटल बारह घंटे लिए हैं और इस चीज़ पर और बारह घंटे में पूरी मशीन डिजाइन का फुल मैराथन हुआ है मेरे प्यारे भाइयों ध्यान रखिएगा अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो फटाफट जाइए और वहां जाकर आप फटाफट जाकर रिवीजन कर सकते हैं सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइड नाउ यहां से हम लोग यहां हम लोग क्या करते हैं यहां हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाइयों रीजन बिहाइंड दिस हमारे एग्जाम में आने वाला है एम क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सही डायरेक्ट आस्क होता है हमारा एम क्वेश्चंस हो गाइज फटाफट जल्दी से जल्दी सभी लोग सेशन में आ जाओ यस जल्दी से जल्दी सेशन में आ जाओ गाइज जल्दी से जल्दी फटाफट 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 फटा फट फटाफट सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग टू ऑल फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाओ चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहूंगा सो हेलो एवरी वन एम आलोक झा फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर टाइम्स के टॉप रैंकर एम टेक फ्राम आई आई टी एट प्लस यूर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट टेकन बाई मी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाउ वी आर लाइव नाव सो दिस इज दलोक पासवर्ड टू ओपन योर फ्री स्पेशल क्लासेस और टेन परसेंट का डिस्काउंट अगर आपको अन अकेडमी पे चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हाँ जी फ्री स्पेशल क्लासेस कहाँ मिलेंगी सर जी अरे सर फ्री स्पेशल क्लासेस आपको अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे मिलता है मेरे प्यारे भाई अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे जाइए सर्च करिए डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से और चूज करिए गेट एंड ई मैं और मेरी पूरी टीम वहाँ है ठीक है ना आलोक झा के नाम से आप मुझे वहाँ सर्च कर सकते हैं मेरे भाइयों और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉलो करने से फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ठीक है ना गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आपको जरूरत है क्योंकि एग्जाम का टाइम है दस साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो उसके लिए यूज करिए tinyurlcom ऑरल पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं नाउ डमी की तरफ से ये आपको एक और गिफ्ट मिला है, मेरे प्यारे भाइयों नाउ मेरे प्यारे भाइयों मैं और मेरी पूरी टीम आप देख सकते हैं मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए ये एक बैच लेकर आ रही है एक साल का और दो साल का एसेंट बैच सो so, मेरे प्यारे भाइयों इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर द प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बेटा प्लस पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं जैसा कि आप देख रहे हो लाइव क्लासेस आपको मिलेगा क्रैश कोर्स आपको मिलेगा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीकली टेस्ट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन इंग्लिश हिंदी बैचेस एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस इसी के साथ साथ हमारा एक और सब्सक्रिप्शन बेटा आइकॉनिक आइकॉनिक में सबसे बड़ी चीज है बेटा हमारे लिए एक पर्सनल कोच पर्सनल कोच के साथ जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज स्टडी मटेरियल मेरे प्यारे भाइयों ध्यान रखेगा दो चीजें बहुत खतरनाक रूप से और आइकॉनिक के बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मेरे प्यारे भाइयों इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर दीज बैचेस आप जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन करिए एक कोड है दैट इज आलोक लाइव यहां से आपको टेन दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आपके पास तीन तरीके का प्लान होता है बारह महीने अठारह महीने और चौबीस महीने का और फटाफट फटा आप देखो जहां रेफरल कोड आप यूज करोगे आलोक लाइव आप देख सकते हो धनाधन का ऑफ यस yes, यूज करते ही पेमेंट करो ई एम आई लगाओ सोलह सौ पचास रुपए में ले लो सब्सक्रिप्शन ठीक है ना देख रहे हो ना कितना आसान है यस yes, मेरे प्यारे भाइयों देखो यहाँ बारह महीने और चौबीस महीने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड क्या लिखोगे दैट इज आलोक लाइव अरे लिख रहा है लिख रहा है लिख रहा है आलोक लाइव लिखा लिखते ही बेटा पेमेंट दस परसेंट ऑफ हो जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट करो ईएमआई लगाओ काम हो जाएगा ईएमआई कैसे लगाए अरे भाई क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से लो ठीक है ना एक साथ फुल पेमेंट नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड से लो यू कैन सी दिस ना मेरे प्यारे भाइयों आज मैं आपको किसी शख्स से मिलवाना चाहता हूं क्या आप सभी तैयार हैं गुड इवनिंग मदन हेलो काजल गुड इवनिंग डियर आज मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ गाइज मैं आपसे आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ यस जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने किसी की तस्वीर आपको दिखाई है क्या कोई बता सकता है इस तस्वीर में कौन है मैं आप सभी से बातें करना चाहता हूँ गाइज मैं कुछ बात करने आया हूँ आज यस हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आपके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे प्यारे भाइयों आपको दिख रहा होगा मैंने एक शख्स को दिखाया हुआ है क्या आप बता सकते ये कौन है इस फोटो में क्या आप में से कोई गैस कर सकता है सर नहीं समझ में आ रहा नहीं देखा इससे पहले कभी नहीं समझ में आ रहा ना बिल्कुल अच्छा मैंने एक और फोटो आपको दिखाया अब तो गैस कर सकते हो ये क्या है सर ये वो इंसान है जिन्होंने ये इन्वेंट किया है अब बताइए ये कौन है सर ये क्या है वट इज दिस वट इज दिस मैंने आपको स्क्रीन पर अभी एक फोटो दिखाया है एक आदमी का मुझे बताइए इनका नाम क्या है मैंने आपको एक क्लू दिया हुआ है कि ये वो इंसान है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है बहुत फेमस ग्राहम बेल बहुत अच्छे वेरी गुड अरे कोई कोई कह रहा है, है जैसा कि आप जानते हो इन्होंने आविष्कार की चीज का किया है इन्होंने आविष्कार किया है टेलीफोन का बिल्कुल अच्छा आज क्या ऐसा रीजन हो गया जो मैं इनको दिखा रहा हूं बच्चों आपको पता एक चीज जब ग्राहम बेल अठारह सौ में आपको पता हो ये बात है आपने कभी इतिहास पढ़ी हो अठारह सो में पैदा हुआ एक बच्चा ठीक है ना जिसके पिता अगर मैं बात करना चाहूं, आपको समझाता हूँ समझने की को कोशिश कीजिएगा जिसके पिता खुद एक डीप एंड डम्प थे मतलब ना वो सुन सकते थे ना बोल सकते थे यस सो उनके पिता का कार्यवार क्या था मैं आपको समझाता हूं उनके पिता का था वो एक टीचर थे वो जितने भी लोग बोल नहीं पाते थे ना उनको सिखाते थे मतलब लैंग्वेज सिखाते थे कि कैसे बोलना है हाथ के इशारे से कैसे बोला जाता है ठीक है ना ग्राहम बेल जब धीरे 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 पढ़ना शुरू किए अपने जीवन में बढ़ना शुरू किए बारह से तेरह साल चौदह साल सोलह साल के सोलह साल जब हुए ये सोलह साल में जब हुए तो सोलह साल के बाद इन्होंने ये निर्णय किया कि ये भी टीचिंग करेंगे और आज के बाद ये भी सबको आपको पढ़ाना सिखाएंगे मतलब जो आप डीप लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं जो उनको उनकी हेल्प करेंगे एज ए टीचर ठीक है ना इतना करते करते इन्होंने टीचिंग स्टार्ट की मैं आपको बताता हूं इनका करियर देखिएगा इनके टीचिंग स्टार्ट किए आजकल के जमाने में बच्चा 25 साल का हो जाता है तब भी उसका करियर डिसाइड नहीं होता है और इन्होंने 16 साल में अपना करियर डिसाइड करना शुरू कर दिया था ठीक है ना मैं आपको एक शख्स से मिलवाने आया हूं बच्चा लोग देखो पढ़ाई तो होती है यहां हम लोग भी पढ़ेंगे टेंशन मतलब आज आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा दूंगा टेंशन मतलब अच्छा मैं बस पांच मिनट ले रहा हूं आपका ठीक है ना करियर स्टार्ट किया धीरे 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 धीरे, धीरे, धीरे। लोग दूरी, दूरी लो बैठे हैं, वो कैसे बात करेंगे तो उसके लिए इन्होंने इन्वेंशन शुरू किया ठीक है ना इन्वेंशन शुरू किया अब इन्वेंशन करते 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 अपने जीवन के इकतीसवें साल में थर्टी वन ईयर इकतीसवें साल में इन्होंने एक चीज पूरे वर्ल्ड को दिया दैट इज टेलीफोन जिससे आप दूर बैठे अपने दोस्तों से अपने घर वालों से बात कर सकते हो दूर बैठे संचार माध्यम कम्युनिकेशन का सबसे पहला डिवाइस हमारे पूरे विश्व में देने वाला ये 31 साल का लड़का था ठीक है ना अच्छा मैं आपको बताता हूं हम लोग ये सोचते हैं अभी 30 साल के जब तक हम लोग होते हैं तो गवर्नमेंट जॉब लगे कि नहीं सर जी उम्र बीत रही है सर जी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं इकतीस साल में जब इन्होंने यही याद किया तो उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिस की ठीक है ना जो ये इतने आराम से इतना देख रहे परिवार के बच्चा है एक गरीब परिवार का बच्चा खुद की कंपनी ओपन करता है वर्ल्ड को कम्युनिकेशन में सबसे आगे रखने वाला इस इंसान का आज भी देश विश्व आज भी इसका ऋणी है और इसी चीज को देखते हुए यूएस ने इनके ऊपर एक आपने देखा होगा पुराने जमाने में डाक टिकट होता था डाक टिकट मतलब इनके ऊपर बनाया आई थिंक आपको वो डाक टिकट में दिखाना चाहूंगा यू कैन सी दिस द यूनाइटेड स्टेट का ये डाक टिकट ठीक है ना ये डाक टिकट इनके ऊपर ग्राम बैल का ही है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं अच्छा मैंने आज इनके बारे में चर्चा क्यों की आज क्या मेरा मूड खराब था कि मैं ग्राम बैल को उठा के लिया क्या बात थी सर ग्राम बैल के बारे में अच्छा हमको है ग्राम बेल का क्या कहना था उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही थी ठीक है मैं उस चीज के लिए आपके सामने यहां आया हूं ग्राम बेल से जब पूछा गया कि आप कैसे मतलब इकतीस साल की उम्र में इतनी जल्दी सक्सेस कैसे पाया आपने क्या देखा जब जब ये मतलब इतने ये बूढ़े से थे ना तब तब इनका एक इंटरव्यू होता है तब उनसे पूछा गया कि आपने क्या सोचा उतनी जल्दी मतलब कैसे आपने किया वो सक्सेस कैसे लिया आपने उनका एक ही लाइन था जो लाइन आज भी पूरे विश्वभर में फेमस है मेरे प्यारे भाइयों शायद आपने नहीं सुनी होगी मैं आपको लाइन दिखाना चाहूंगा यू कैन सी दिस द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज द एबिलिटी टू टेक द एक्शन या ग्राहम ब्राहमवेल मेरे प्यारे भाइयों एबिलिटी टू टेक द एक्शन अगर आपके अंदर एबिलिटी है एक्शन को लेने की तो आप सक्सेस हो जाओगे अदरवाइज आप अभी भी फेलियर की तरफ बैठे हो और बैठे रह जाओगे ठीक है ना जो लोग सोचते हैं ना कि यार सक्सेस हमारे पास झक मार के आएगी वो थ्री इडियट का मूवी देखा है है ना तुम सोते रहो झक मार कोई आ जाएगी तो वो झक मार के नहीं आएगी सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा कहते हैं ना अचूक प्रयास ठीक है ना तो फेलियर और सक्सेस के बीच में एक ही लाइन है दैट इज द एबिलिटी टू टेक द एक्शन और मेरे प्यारे भाइयों आप शायद ये लाइन तो आपने सभी ने सुना होगा नो पेन नो गेन जब तक पेन नहीं तब तक गेन नहीं ठीक है ना अगर जीवन में आगे बढ़ना है ठीक है ना मैक्सिम लोगों ने इस लाइन को सुना होगा ये बहुत बहुत ही कॉमन है बहुत ही मोटिवेटिंग लाइन है यस सक्सेस और फेलियर के बीच में हमारा एक ही चीज डिसाइड करता है वो है डिसीजन यस मेरे प्यारे भाइयों सक्सेस और फेलियर कुछ नहीं है ठीक है ना आप इस समय बैठ के पढ़ रहे हो अपने घर में मैं मानता हूं आप अपनी तरफ से पढ़ रहे हो आप अपने तरीके से पढ़ रहे हो या कुछ बच्चे सो रहे होंगे अरे हटा यार मैं कल सुबह उठ के पढ़ लूंगा और सुबह नहीं उठ पाते मेरे प्यारे भाइयों आपको बस इस चीज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि थोड़ा सा फोकस करो फोकस करो अपने ऊपर आप किस तरह से काम कर रहे हो पहली बात तो एबिलिटी टू टेक द एक्शन ठीक है ना एक्शन लोगे पेन होगा कोई भी एक्शन लोगे पेन होगा तब मिलेगा गेन जब तक पेन नहीं तब तक गेन नहीं ध्यान रखना और वो एक्शन लेने का डिसीजन आपका होगा ध्यान रखिएगा इस बात को मेरी ये तीन चीजें आपस में बहुत हैं नो नो पेन गेन कहने का मतलब है जब आप एक्शन लेते हो आपको पेन होगा आप कोई भी चीज का एक्शन लेते हो लेटर सपोज मैंने एक्शन लिया कि आज के बाद मैं ऐसा ही हाथ रखूंगा जैसे पुराने जमाने में ऋषि लोग करते थे ना एक ही पैर पर खड़े होकर भगवान की पूजा करेंगे मैंने एक्शन लिया ठीक है ना मैंने एक्शन लिया कि ऐसे हाथ रखूंगा भगवान प्रकट होंगे आपको क्या लगता है मैं इस हाथ को कितनी देर ऐसे रख सकता हूं आधे घंटे एक घंटे दो घंटे चार घंटे एक लिमिट आएगी जिसके बाद यह भी नीचे आना चाहेगा इसमें पेन होगा जबकि इस पर कोई लोड नहीं लग रहा इसमें पेन होगा ठीक है ना लेकिन अगर आपको वो चाहिए उस भगवान को देखना है तो आपको ये पेन सहना पड़ेगा ठीक है अगर आपको अपना रिजल्ट चाहना रिजल्ट चाहिए तो पेन सहना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सोचा है मुझे आई ऑफिसर बनना है तो मुझे चौदह घंटे पढ़ना है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और चौदह घंटे में अगर मैंने किसी दिन अंगड़ाई मार के ना आठ घंटे नींद ले ली ना और दो घंटे या तीन घंटे पढ़ाई की तो वो गया फिर खत्म कहानी सो माई डियर फ्रेंड आई रिक्वेस्ट टू एवरी अगर आप अपना कोई सपना देखते हैं तो उस सपने के लिए आपको अच्छे तरीके से मैं ये नहीं कहता आप आई ऑफिसर बनो मैं कहता हूं आप किसी भी फील्ड में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो आप किसी भी फील्ड में जीवन में आगे बढ़ रहे हो मेरे प्यारे भाई आई रिक्वेस्ट टू एवरी अगर आप किसी भी फील्ड में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो ना उस किसी भी फील्ड में एनीथिंग मैं ये नहीं कह रहा आपका क्या करियर आप किस पेन किस चीज की बात कर रहे हो आप किसी भी चीज में देख सकते हो आपको बॉडी बनाना है वो भी एक खेल है वो भी एक प्रतियोगिता की तरह है वो भी एक कॉम्पिटिशन है आपका खुद से कॉम्पिटिशन है आपको सिलेक्शन लेना है वो भी एक कॉम्पिटिशन है आपको कोई भी काम करना है कोई भी परफेक्ट मैनर में करना है वो भी एक कॉम्पिटिशन है तो जब तक पेन नहीं तब तक गेन नहीं ध्यान रखना इस बात को चलिए सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल और हम अपना स्टार्ट करते अपने सेशन को और हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे भाइयों सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे हैं रिविटेड वेल्डेड एंड बोल्टेड ज्वाइंट यस मेरे प्यारे भाइयों और हमने एक सेशन इसका पढ़ लिया है बीस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है अभी से हम बात करेंगे इक्कीसवें क्वेश्चन से अगर आप तक मेरी बात पहुंच पाई आपके दिलों तक वो बात पहुंच पाई जो मैं कहना चाहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं अगर आपके दिलों तक वो बात पहुंच पाई तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी प्लीज कमेंट में थम्स का जरूर भेजिएगा कमेंट में थम्स जरूर कर दीजिएगा आई रिक्वेस्ट एवरी वन कमेंट में फटाफट थम्स कर दीजिएगा चलिए सो so सोगाइज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर से बिल्कुल गुड इवनिंग गुड इवनिंग पवन जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग डियर गुड इवनिंग विनायक या ना मेरे प्यारे भाइयों चलते हैं अपने इस सेशन की ओर और सेशन में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फॉलोइंग द फिगर सोन वेल्डेड ज्वाइंट बेटा ये दोनों फिगर क्या है welded joint का क्रॉस 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 क्या इंडिकेट कर, कर, कर रहा है बेटा वेल्डेड वेल्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है बेटा ये इसका मतलब होता है जहां वेल्डिंग हुआ है वेल्ड हुआ बात समझिएगा बिल्कुल फॉर द सेम लोड एंड द सेम डायमेंशन प्लेट एंड द वेल्ड बेटा सेम लोड पी लग रहा है सेम डायमेंशन का प्लेट है दिस इज द प्लेट वन एंड दिस इज द प्लेट टू सेम डायमेंशन का प्लेट वन सेम डायमेंशन का प्लेट टू सेम लोड पी लग रहा है ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है यस सर ऊपर वाला है क्या पैरेलल फिलेट लैप ज्वाइंट और नीचे वाला या पैरेलल फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट ये से बोल सकते हो या आप इसको कह सकते हो ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट ऊपर वाला क्या है बेटा पैरल फिलेट कैसे पता सर बेटा लोड के पैरल में वेल्डिंग हुआ है ये तो पढ़ाया था मैंने आपको दिस इज दैरल फिलेट ऊपर वाला क्या है बेटा पैरल फिलेट और नीचे वाला क्या है बेटा ट्रांसवर्स फिलेट ठीक है ना ध्यान रखिएगा ऊपर वाला है पैरल फिलेट नीचे वाला है ट्रांसवर्स फिलेट नाउ, द क्वेश्चन इज द ज्वाइंट सोन अब बताइएगा देखिएगा ध्यान से आप पैरल फिलेट और ट्रांसवर्स फिलेट में आपसे ये चार ऑप्शन है इन चार ऑप्शन में से जल्दी से जल्दी मुझे बता दीजिए क्या आंसर होगा बिल्कुल थैंक यू सो मच मिलन मदन राम राम अक्षय ठीक है ना चलिए बताइए मुझे फिगर वन इज बेटर बिकॉज द वेल्ड इज इन दीयर एंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द वेल्ड इज नॉट लाइन विथ पी क्या ये लाइन सही है तेरा है फिगर वन में सुनने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा ज्वाइंट ये ज्वाइंट क्या शो कर रहे हैं शो क्या कर रहे हैं फिगर वन शो कर रहा है कि बेटर है वो बहुत अच्छा है क्योंकि तो वेल्डिंग जो हुआ है वो शेयरिंग में हुआ है बिल्कुल सही बात है वेल्डिंग हुआ शेयरिंग में लेकिन शेयरिंग में होने कारण ये अच्छा क्यों है भाई अब ये नीचे रीजन लिखा है अब कह रहा अच्छा है ठीक है भाई प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन द वर्ल्ड इज नॉट इन द लाइन विथ पी मेरे भाई इनका कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस इज नॉट इन लाइन पी लाइन पी के रिस्पेक्ट में नहीं है ऐसा बात तो बिल्कुल गलत है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस नॉट इन अ लाइन विथ पी ऐसा बिल्कुल गलत है अगर बॉडी में शियरिंग हो रहा है तब भी प्रिंसिपल होता है ऐसा नहीं होता है कि बेटा अगर प्योर शियरिंग है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होती है भले वो होती है मैंने बोला था याद करो कि अगर प्योर शेयरिंग हो रहा है तो जो क्वेश्चन दिया वही आंसर भले वो होगी होगी ऐसा नहीं है पॉजिटिव टाव, नेगेटिव टावेटिव मैक्सिमम मिनिमम सब होता है ठीक है ना तो पहला लाइन जो लिखा ना वेल्ड इज नॉट और दूसरी बात जो लिखा ना बेटर विथ वेल्ड इन सियर भाई बेटर है ठीक है ना ध्यान रखिएगा हो रही है और बेटर कैसे हो सकता है यू कैन सी दिस फिगर वन इज बेटर बिकॉज द लोड ट्रांसफर फ्रॉम द bar to टू plate इज नॉट डायरेक्ट कह रहे फिगर वन बेटर है फिर से आ गया भैया बेटर क्यों क्योंकि कह जो लोड है ना लोड ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द टाई बार टू प्लेट मतलब यहां से जब हम खींच रहे हैं ना तो टाई बार बोले तो ये जो खींच रहे हैं इसके साथ जो हमारा पहले बार के साथ जो दूसरा बार हमारा जुड़ा हुआ है ठीक है ना वहां से लोड ट्रांसफर हो रहा है लोड ट्रांसफर हो रहा है वेल्डिंग से ये इसका कहने का ये मतलब है जहां से टाई है ठीक है ना उधर से हमारा क्या हो रहा है वेल्डिंग का लोड ट्रांसफर हो रहा है मेरे भाई जहां से आप जब आप वेल्डिंग करते हो ना किसी दो प्लेट का तो वो फुल्ली एक सिंगल प्लेट बन जाता है आपने कॉलेज में दो प्लेट को ऐसे लिया होगा और वेल्डिंग कर दिया होगा वो एक सिंगल प्लेट बन जाता है उसके ग्राइंडिंग कर दो चमकता हुआ एक सिंगल प्लेट बन जाता है ठीक है ना समझिएगा ध्यान से तो लोड ट्रांसफर ऐसे नहीं होता बेटा लोड पूरे प्लेट पे ट्रांसफर होता है हमें यहां लोड जो लगा रहा हूं क्या आपको लोड सिर्फ इस ज्वाइंट पे ट्रांसफर होगा अगर लोड सिर्फ ज्वाइंट पे लगेगा ना तो सब टूट जाएगा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ध्यान रखिएगा ठीक है ना ओवर द इंटायर लेंथ लोड बिल डिस्ट्रीब्यूटेड सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग फिगर टू इज बेटर बार बार अच्छा फिगर टू की बारी आ गई चलो फिगर टू बेटर बिकॉज द वेल्ड इन टेंशन मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी चीज बेटर कैसे हो सकती है जब उस पर टेंशन सियर लग रहा है ठीक है ना वेल्ड इन टेंशन एंड सेफ स्ट्रेस वेल्ड इन टेंशन ग्रेटर स्ट्रेस मेरे प्यारे भाई समझना कह रहे यहां तक क्या लाइन तो पहली बार तो गलत है ये लाइन गलत एंड के बाद जो कह रहा है थोड़ा सा हम पढ़ते हैं सेफ स्ट्रेस ऑफ वेल्ड इन टेंशन इज ग्रेटर देन इन सियर वेल्डिंग में जो सेफ स्ट्रेस है, इसका इसका तो है सर जी सिंगल सीयर डबल सियर इसमें भी होता है इसमें सिंगल ट्रांसफर डबल ट्रांसफर इसमें भी होता है सर जी फॉर्मूला तो सेम होता है मेरे प्यारे भाई फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एक चीज अलग होता है क्या यहां स्ट्रेस होता है यहां सीयर स्ट्रेस होता है बाकी फॉर्मूला सेम होता है अगर आपको नहीं पता फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं पहले वाले केस में शेयरिंग स्ट्रेंथ होता है टाव इनटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो सेवन एस एल दूसरे वाले केस में पीटी ट्रांसवर्स लोड जो होता है वहां सिग्मा टी इन टू जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो सेवन एस एल मेरे भाई फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रेस विल डिफरेंट स्ट्रेस विल डिफरेंट यहां कह रहा है कि सेफ स्ट्रेस जो है इन वेल्ड इन टेंशन इज ग्रेटर टेंशन के केस में ग्रेटर है सेफ स्ट्रेस मतलब टेंशन वाला जो है वो ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू सियर मेरे भाई इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए मैं चौथा लाइन पढ़ूंगा फिगर टू इज बेटर बिकॉज इट हैज लेस स्ट्रेस कम स्ट्रेस है बिल्कुल मेरे भाई ये चौथा लाइन बिल्कुल सत्य है अब पूछो कैसे पूछो पहली बात तो ये लाइन ही यही गलत हो गया था पहले बात तीसरा वाला पॉइंट ना पहला ही लाइन में गलत हो गया था लेस स्ट्रेस रीजन बिहाइंड मेरे भाई सिग्मा टी और टाउ में कौन छोटा ठीक है ना अब बात ये आ गया कि मेरे भाई लेस स्ट्रेस कैसे वर्ड बोला टेंसाइल लगा रहे हो तुम लोड लगा तुम्हारा लोड कैसे टेंसाइल अगर तुम्हारा एरिया परपेंडिकुलर है वेल्डेड एरिया परपेंडिकुलर है तुम्हारा हमेशा स्ट्रेस कम हो जाएगा ठीक है ना बेटा यहां का स्ट्रेस जो है वैल्यू समझने की कोशिश करना यहां का स्ट्रेस वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज रेस्ट डी इज बेस्ट ठीक है ना बेटर है बेस्ट है बेटा वो ठीक देखो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना ये देखो ये सब आराम से आप लोग घर पे भी कर सकते हो बट एक एक चीज क्लियर करके एक एक चीज खोल खोल के नहीं समझोगे आप सीधे करोगे अच्छा इसका आंसर डी है खत्म का है चारों ऑप्शन नहीं पढ़ोगे फिर एमएसक्यू क्लियर नहीं होगा ध्यान रखना चलो अगला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे मैचिंग द वर्ड आते हैं ठीक है ना मैं इसके साथ हूं बिल्कुल बताइएगा इसका आंसर हाँ बिल्कुल लेस एरिया होने के कारण बिल्कुल 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 बताइएगा इसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल बस जल्दी बताओ जल्दी बताओ देखो यहां ना सबसे बेहतरीन अगर आपने मशीन डिजाइन का पूरा रिवीजन किया था जो मैंने कराया था अनविंस फॉर्मूला हमेशा कहां दिखता है बेटा रिविट का डायामीटर निकालते हुए दिखता है वाल्स वाल्स कहां दिखता है बेटा स्प्रिंग में दिखता है आपको याद होगा फोर सी माइनस वन अपॉन फोर सी माइनस फोर प्लस पॉइंट सिक्स वन फाइव में से पांच डिवाइड बाई सी याद होगा मैंने याद करवाया था बारह घंटे का जो मैराथन लिया देन मेरे प्यारे भाइयों हो अगर मैं बात करूं लुइस जो है ना ये लुइस बाबा किसके लिए हैं गियर के लिए बने हैं और ये रिनोल्ड इक्वेशन कहां से आ गया यहां एमडी में अरे भाई रिनोल्ड इक्वेशन से ना बियरिंग के अंदर में आप जो सोमरफेल्ड नंबर में आप देखते हो एक फॉर्मूला एक डायमेंशन लेस सोमरफेल्ड नंबर होता है वो रिनॉल्ड बाबा ने दिया था ये भी सुनिए ध्यान से ठीक है ना तो रोमल रिनोल्ड इक्वेशन जो है आपका ये बियरिंग का है लुइस इक्वेशन गियर आपको तो पता ही है लुइस ने सन अठारह ईस्वी में गियर के ऊपर ये चेक किया कि बेंडिंग स्ट्रेस होता है अरे बाबा अरे बाबा 100 100-200 साल पहले की बात है बिल्कुल 100-200 साल पहले 200 साल पहले की बात है कि लुइस ने ऐसा काम किया और गियर डिजाइन में सबसे बड़ा रोल आ गया लुइस फॉर्म फैक्टर ठीक है ना ध्यान रखिएगा फ्रेंड यू कैन सी दिस ए टू बी फोर ए टू बी फोर ए टू बी फोर डी थ्री c one सी वन डी थ्री बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हाँ ना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यस क्या कह रहा है अभी रिवीजन किया है सर याद है सर वेरी गुड बहुत अच्छे चलिए ट्वेंटी थ्री देखो एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे ठीक ना देखो ध्यान से ट्वेंटी थ्री एसरसन रीजन एसरसन रीजन यहां मैंने आपको बताया ये चार ऑप्शन अभी छोड़ो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो लाइन पकड़ना है जो सबसे छोटी लाइन है एसरसन और रीजन में से और उसको पकड़ो उसको पकड़ने के बाद जो स्मॉल लाइन है उसको पकड़ो ठीक है ना स्मॉल लाइन या शॉर्ट लाइन आप उसको कह सकते हो पहला प्रोसेस दूसरा प्रोसेस प्लीज चेक राइट और रॉन्ग प्लीज चेक राइट और रॉन्ग अगर राइट right है तो बैंड बज गई सुनिएगा ध्यान से अगर प्लीज चेक राइट या रॉन्ग अगर राइट right है तो बैंड बज गई पूछो क्यों क्योंकि चेक एन अदर चेक एन अदर लाइन रॉन्ग अगर ये रॉन्ग निकल गया अगर ये लाइन रॉन्ग निकल गया तो नेक्स्ट लाइन इज राइट ऑलवेज राइट हमेशा सही होता है अगर मैं जैसे कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये लाइन और ये लाइन में हमें दिख रहा है ये दो ही लाइन में इसको पहले पढ़ लिए, अब पता चला ये गलत है तो ये हमेशा सही है ऑप्शन ही ऐसा है भाई आप ऑप्शन पढ़ लो ना पहले हाँ अगर मान लो ये सही है तो बैंड बच गया फिर टाइम लगेगा फिर इसको पढ़ो ये भी सही है कि गलत है अगर यह गलत है तो यह सही है है ना अगर यह भी सही निकल गया इफ सेज अगर दोनों सही निकल गया देन चेक कीवर्ण, देन कीवर्ण चेक कीवर्ड्स कीवर्ड्स देन करो कीवर्ड्स अगर मिल गए तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर कीवर्ड्स नहीं मैच कर रहे हैं जैसे मान लो किसी ने बोल दिया इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम ये है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम यह है कीवर्ड्स इज मैचिंग प्रधानमंत्री का नाम नहीं तो ऐसे बोले इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम ये है और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम का कैप्टन का नाम ये अरे भाई ठीक है ना समझो मेरी बात या ऑस्ट्रेलिया में ये बर्ड उड़ती है उसका हमारे इससे क्या मतलब कोई मतलब नहीं दूर दूर तक तो कोई नाता नहीं है की ही नहीं मिल रहा कहीं ठीक है सो दिस इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो ऑप्शन नंबर बी अगर कोई एक सत्य है तो बी एस सी या डी में से होगा ठीक है ना वैष्णव से सर आप इतनी रात में कैसे पढ़ाते हैं फोर्टीन आवर प्लस महराथन <laughs> रघो में दौड़ रहा है वेरी गुड बेटा देखो मैं आपको अभी भी वही कह रहा हूं जिस मूड से जिस एनर्जी से मैं सुबह पढ़ाता हूं क्या अभी किसी एनर्जी में एक पॉइंट का भी अंतर है कोई बता नहीं सकता भाई एक पॉइंट का भी अंतर उसी एनर्जी से उसी लेवल से हम आपको पढ़ाते जानते क्यों रीजन क्या है हमें सिर्फ एक चीज देखता है हमें सिर्फ एक चीज दिखता है वो है आप और आपका सक्सेस वो हो जाए हमारा काम हो जाए खत्म कहानी दैट्स इट ठीक है आप आंसर बताओ पहले यहां देखो जल्दी से अगर मैं कह रहा हूं बेटा देखो फर्स्ट वी चेक द स्मॉल लाइन स्मॉल लाइन इज ए बर्ड ज्वाइंट इज अ स्ट्रांगर देन लेब ज्वाइंट इन अ रिविटेड कंस्ट्रक्शन रिबिट के कंस्ट्रक्शन बर्ड ज्वाइंट स्ट्रॉगर होता है लेफ्ट ज्वाइंट से बिल्कुल सत्य बात है पूछो क्यों डबल रिविट डबल रिबिटेड बर्ड ज्वाइंट कर देंगे रिबिट के केस में डबल रिबिटेड बर्ड ज्वाइंट कर देंगे तो ऊपर नीचे दोनों प्लेट लग जाएगा डबल सॉरी डबल स्ट्रैप बर्ड ज्वाइंट खेल देंगे तो ऊपर नीचे दोनों प्लेट लग जाएगा बहुत स्ट्रांग हो जाता है बॉयलर में इसी का यूज करते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सही होता है ठीक है ना तो मेरे भाई रीजन सही है अगर जो हमने पकड़ा वो सही निकल गया मतलब हमारी बोट लग गई अगर गलत होता तो ये सही हो जाता आंसर आ जाता लेकिन बेटा ये सही निकल गया अब चलो। अब चलो भगवान से कि असरसन गलत हो, हो, तो क्यों? क्यों? ये, ये हो जाए है लेकिन अगर वो भी सही हो गया तो बवाल मच जाएगा सी दिस। चेक दिस। cell, अरे दादा बिल्कुल सत्य बात

वट इज द की वर्ड अरे बाबा वट इज द कीवर्ड ठीक है ना पापियों का है पाप कर रहे हो क्या मिलेगा पाप करके का है, का, क्या मिलेगा पाप करके भाई किसने पाप किया जरा सामने आए क्या डाउट है तुम्हारा जरा हम पूछे हैं? देखो बेटा पाप करने का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है दो मकसद होता है पहला मकसद या तो आपका मेरे साथ इंटेंशन कुछ गलत है ठीक है ना दूसरा मतलब या तो आपका कुछ समझ नहीं आया है ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी क्लास में कुछ समझना है क्योंकि मैं एक एक चीज खुरेद खुरेद के पढ़ाता हूँ खुरेद खुरेद के पढ़ाता हूं मुझे पता है मैं कितना खुरे रहता हूं मैं चीजों को कितना पढ़ाता हूं क्या करता हूं ठीक है ना अगर मेरा आपका पर्सनल इंटेंशन है तो मेरे प्यारे भाई आप मत देखो मेरा वीडियो आई रिक्वेस्ट ठीक है ना ठीक है ना और अगर अगर अगर, अगर ये दोनों नहीं है तो आई रिक्वेस्ट मेरे प्यारे भाई ये बटन होता है लाइक का अगर आपको नहीं पता है तो इसको जानो दिस इज द लाइक बटन ठीक है ना यू कैन सी दिस आओ अब मेरे प्यारे भाई यहां हम क्या देखेंगे बेटा अब हम देखेंगे क्या ये दोनों सही ए, दोनों का कीवर्ड मैच हो रहा है बिल्कुल मेरे प्यारे भाई कीवर्ड मैच हो रहा है पूछो कैसे पहला कीवर्ड बट ज्वाइंट पहला कीवर्ड बट ज्वाइंट दूसरा कीवर्ड बट ज्वाइंट इज स्ट्रॉन्गर इसीलिए हम लोग कहां यूज करते हैं भैया Cell में. आपको पता होना चाहिए बॉइयलर का नाम हम लोग बार बार क्यों लेते हैं आपने मशीन डिजाइन अगर पढ़ी है ना तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि रिविट को जन्म देने वाला एक ही एक्ट है इस दुनिया में उसका नाम है आई बी आर एक्ट ई एक्ट ठीक है ना अगर नहीं पता है तो पता करिए आई का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट नाम में ही बॉयलर दादा बैठे हुए हैं तो किसका चेक करेंगे बॉयलर का ही चेक करेंगे ना इसीलिए बार बार हम लोग बॉयलर पहुंच जाते हैं कि अच्छा बॉयलर तुम ठीक हो ना तुम मालिक हो तुम ठीक हो ना तो माई डियर फ्रेंड बर्ड ज्वाइंट यूज किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल बर्ड ज्वाइंट यू कैन सी दिस और दोनों का कीवर्ड मिल रहा है मेरे प्यारे भाई अगर दोनों का कीवर्ड मिल रहा है तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन ए क्या है सत्य है ठीक है ना मैंने क्या कहा था अगर आपका मिल रहा है तो यू कैन सी दिस हाँ यू कैन सी दिस चलो अगला क्वेश्चन आ गया चलो अगला क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द बोलिंग स्ट्रेसेस आर एसोसिएटेड विद द टाइटनिंग ऑफ नट बोल्टेड बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस आर एसोसिएटेड विद द टाइटनिंग ऑफ नट ऑन बोल्ट स्ट्रेसेस ऑन टाइटनिंग द नट एंड बोल्ट माई डियर फ्रेंड यू कैन सी दिस नट एंड बोल्ट अगर आ गया वी नो दिस नट एंड बोल्ट में क्या क्या होता है टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों होता है बोलो या ना नट एंड बोल्ट में टेंशन कंप्रेशन दोनों होता है बोलो या ना यस और नो जल्दी जल्दी बताओ यस और नो हा या ना टेंशन कंप्रेशन होता है बिल्कुल सत्य बात है और क्या क्या होता है सर नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट पूरा पूरा रिविटेड ज्वाइंट की तरह होता है तो इसके अंदर टीयरिंग शीयरिंग क्रसिंग ये तीनों होता है ये तीनों होता है जैसे रिविट में होता है वैसे ही होता है तो मेरे प्यारे भाई देखो पहला लाइन अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट दसोसिएट टाइटनिंग ऑफ द नट एंड बोल्ट टाइट कर रहे नट बोल्ट को कौन कौन सा स्ट्रेस आ सकता है बिल्कुल मेरे प्यारे भाई टेंसाइल स्ट्रेस आएगा बेंडिंग नहीं आएगा और सीर आएगा टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस वो भी आएगा बिल्कुल आएगा सीयर आएगा बिल्कुल तो दूसरा गलत है 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 चौथा सही है यू कैन सी दिस अच्छा इसको देखने के लिए आपको टू पकड़ना था, था सीधे दूसरे को पकड़ के कर देना था भैया बेंडिंग नहीं होता नट बोल्ट में बेंडिंग गियर में होता है नट बोल्ट में नहीं होता है रिबिट में नहीं होता है वेल्डिंग में बेंडिंग नहीं पड़ते हम लोग ठीक है ना हम लोग मटेरियल पे बेंडिंग पढ़ सकते हैं हम लोग वेल्डेड सॉरी बेंडिंग जो है ना हम लोग मटेरियल का कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हमने ये पार्ट इसके साथ वेल्ड किया हम लोग इस पार्ट इस के ऊपर बेंड कर सकते हैं बट हम ये नहीं कह सकते कि वेल्डेड ज्वाइंट के ऊपर मूवमेंट आ रहा है तो मूवमेंट के कारण ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन इन अ फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट दीकेस्ट एरिया ऑफ द वेल्ड इज अरे यार बहुत आसान इतनी बार चिल्ला चिल्ला के इसका आंसर बताने के लिए कहा था क्लास में बड़ा चिल्ला चिल्ला के बताया यार चिल्ला चिल्ला रहा हूं, गले रहा हूं, गले गले अंग्रेजी में क्या कहते हैं थ्रोट ठीक है ना सबसे पतला एरिया ही हमारा सबसे खतरनाक एरिया होता है वीकेस्ट एरिया बोले तो मिनिमम एरिया और यही मिनिमम एरिया हमारा क्या होता है बेटा थ्रोट एरिया एरिया ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या थ्रोट पोर्शन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हां देखो क्या कह करें द बोल्ट इन अ रिजिड फ्लेंज कपलिंग कनेक्शन टू साफ ट्रांसमिटिंग पावर एंड सब्जेक्टेड टू अरे मेरे भाई बोल्ट में क्या क्या होता है देख लो ना बोल्ट में क्या क्या होता है देखो और मेरे को आंसर बताओ मेरे को आंसर बताओ बताओ या गाइस प्लीज गिव मी द आंसर यार दिस दिज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन द बोल्ट इन द रिजिड फ्लैंड कपलिंग कनेक्शन गाइस दिस क्वेश्चन इज द कपलिंग क्वेश्चन इन द रिजिड फ्लैंड कपलिंग क्वेश्चन रिजिड फ्लैंज कपलिंग कनेक्शन टू साफ दो साफ को जोड़ रहा है जब दो साफ को जोड़ रहा है मेरे प्यारे भाई तो क्या क्या हो रहा है ट्रांसमिट कर रहा है जो पावर साफ तो वो हम बोल्ट के ऊपर क्या क्या हो रहा है या नो डियर फ्रेंड ओनली बोल्ट मत पढ़ो यू कैन सी द रिजिड फ्लैंज कपलिंग यू कैन सी द रिजिड फ्लैंज कपलिंग रे बाबा यू कैन सी द रिजिड फ्लैंज कपलिंग या ए डी ओ मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोच रहे हैं बेटा मैं आपको बता देता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर जी इस क्वेश्चन में बोल्ट की बात की जा रही है आप फिर से वही गलती कर रहे हैं पिछला क्वेश्चन देखो फिर से देखो स्ट्रेसेस एसोसिएटेड विद द टाइटनिंग ऑफ नट एंड बोल्ट नट एंड बोल्ट टाइट हो रहा है वहां अब क्वेश्चन यहां क्या है यहां क्वेश्चन कह रहा है कि रिजिड फ्लैंज कपलिंग के अंदर जहां साफ्ट पावर ट्रांसमिट कर रहे है। मतलब साफ्ट विल रोटेट देन द बोल्ट विल भाई बोल्ट है तो जाहिर सी बात है टेंशन कंप्रेशन सीयर क्रसिंग टीयरिंग सब आएगा ठीक है ना अब आपके दिमाग में आया बेंडिंग नहीं आएगा तो आपने ये सोचा अरे बेंडिंग नहीं आएगा बेंडिंग नहीं है खत्म कहा नहीं ये आएगा है ना ये आपने सोचा बट मेरे प्यारे भाई यहां देखो कपलिंग की बात की जा रही है किसकी बात की जा रही है कपलिंग के अंदर कंडीशन मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं मैं अभी आपको आपका जवाब देता हूं रिजिड फ्लेंज कपलिंग है टू शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर व्हेन द टू शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर सो वी हैव सम टॉर्सन या यस सर वी हैव सम टॉर्सन दिस इज राइट बट माय डियर फ्रेंड व्हेन वी हैव सम टॉर्सन सर गाइस सी दिस टॉर्सन किसका होगा सर शाफ्ट का होगा बट द क्वेश्चन इज व्हाट बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू इन साफ्ट के ऊपर कपलिंग लगाया उसके अंदर एक बोल्ट लगाया दिन बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू व्हेन द साफ्ट विल सम टॉर्क टॉर्सन होगा तो उसके अंदर होगा शियरिंग उसके अंदर होगा क्या शियरिंग ड्यू टू टॉर्सन ड्यू टू टोर्सन देर इज सम सियरिंग या देर इज सम सियरिंग आइज कहां जा रहे हो यू कैन सी दिस सर इसके बाद बात आ गई बेंडिंग की मैंने क्या बोला अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई पार्ट इसके साथ वेल्डेड है इसका मतलब यह नहीं है कि इस पार्ट पे मूवमेंट नहीं लग सकता लग सकता बस वेल्डिंग पॉइंट पे नहीं लगेगा नौ मेरे प्यारे भाइयों अगर साफ्ट की बात की गई है तो साफ्ट में तो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग दोनों होता है बोलो हाँ या ना होता है ना बिल्कुल अगर साफ्ट की बात की गई है और कपलिंग के अंदर है तो गाइस साफ्ट के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है जाहिर सी बात है तो अगर साफ्ट अगर बैंड करने लगेगा उस समय में बोल्ट क्या करेगा उस समय पे एक एक चीज ध्यान रखेगा ये बोल्ट किसके अंदर लगा है साफ्ट के अंदर में और साफ्ट में बेंडिंग ट्विस्टिंग कुछ भी हो सकता है देन इन दिस सिचुएशन देर इज अ बेंडिंग मूवमेंट बट एक चीज ध्यान रखेगा ये बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है बट बोल्ट उसके कारण टूटेगा नहीं ध्यान रखना बोल्ट अगर टूटेगा तो शियरिंग क्रसिंग टेंशन कंप्रेशन ये सब चीजों के कारण बोल्ट टूटेगा इसकी वजह से नहीं टूटने वाला बोल्ट ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट कहना अलग है और एसोसिएटेड विथ दिस ठीक है ना वो अलग बात है Subjected to, उसके ऊपर लग रहा होगा फेलियर होगा ये चीज नहीं है ध्यान रखिएगा so right. क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में बताया था ऐसा देर इज अट पी क्यू आर एस या विच ऑफ द रिविट आर मोस्टली लोडेड कम ऑन गिव दंसर अरे बाबा गिव मिथ आंसर यार आंसर करो यस yes. अर्चना धनंजय रमेश यार कमेंट नहीं देख पा रहा यस yes, अब दिखेगा वैष्णो अभिनंदन यस माय डियर गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द रिबिट्स आर मोस्टली लोडेड मोस्टली लोडेड रिबिट Which one is the answer? Oh my God! Very good. Yes, B is the right answer. Why B is the right answer? Worst rivet are those rivet which are nearer to the line of action of the load. This is the line of action of the load. Guys, you can see this. This is the line of action of the load. Yeah.

वहां हम लोग खूब ढेर सारा बोल्ट रिपिट एकदम ठोक के लगाते हैं देमी स्पेरिकल इंड ऑफ द प्रेसर वेसल इज फास्टेस्ट टू दिलेंड्रिकल पोर्सन ऑफ द प्रेसर वेसल यू कैन सी दिसेंड्रिकल पोर्सन सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड दिस इज वॉट हेमीरिकल ठीक है ना दिस इज़ हेमी स्फेरिकल क्वेश्चन क्या है इंड ऑफ द प्रेसरवेशल हेमी स्पेरिकल इंड है जो प्रेसरवेशल का ठीक है ना इज एंड मतलब फास्ट एंड किया गया जोड़ा गया है सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द प्रेसरवेशन विद हेल्प ऑफ गैस्केट बोल्ट एंड लॉकनट कॉमन सेंस इसी से जोड़ा जाता है ठीक ना, the bolt are subjected to. अब कह रहा है यहां बोल्ट क्या सब्जेक्ट करेगा आ देवर्षि त्रिवारी कह रहे हैं ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या होगा बेटा लगाए अब इतना बड़ा बड़ा समझ नहीं आया आपको अब किसी और पे हम चमकाए नहीं इसका मतलब वही आंसर है न? अब बताइए इस केस में बोल्ट क्या देखेगा बताइए बेटा बताइए देखिएगा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा एक सिलेंडरकल पोर्शन है यहां हेमी स्पेरिकल है आप समझिएगा यहां क्या किया है यहां एक बोल्ट लगा होगा लेटर सपोज ऐसे करके एक बोल्ट लगा होगा You can हमेशा होता है वही होगा और क्या होगा बोल्ट में जो हमेशा होता है वही होगा ना यार किस, किसी चीज में तुम नट बोल्ट ऐसे टाइट करते हो जब तुम नट बोल्ट ऐसे टाइट करते हो समझने कोशिश करना जैसे समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई समझने कोशिश करना एक चिंटू यहां खड़ा है चिंटू इज जस्ट लाइक अ बोल्ट और मैं गया उसको ऐसे दबा लिया जस्ट लाइक अ नट मैं कंप्रेस करना चाहता हूं चिंटू के लेकिन चिंटू भागना चाहता है कि छोड़ो मुझे ठीक है ना चिंटू भागना चाहता है छोड़ो मुझे तो चिंटू को टेंसाइल फोर्स लगा रहा है लेकिन नट कैसे लगा रहा है कंप्रेसिव ठीक है ना तो चिंटू बोले तो बोल्ट कैसा लगाएगा क्या लगाएगा अरे बोलो समझने की कोशिश कहीं करते हो जीवन में समझने की बहुत बड़ी कोशिश किया करो कि बोल्ट यहां क्या लगाएगा बेटा जस्ट लाइक दे आर दो चीजों के बीच में कनेक्शन है कोई बड़ा तोप थोड़ी ना तू तो कोई तोप थोड़ी ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है यहां से लेकर यहां तक तो तूने इंफॉर्मेशन दिया है कि ऐसा दुनियादारी है तो बोल्ट पे क्या लगेगा कोई बड़ी चीज थोड़ी ना ये तो होता है भाई कॉमन सेंस है चलो आप देखो मजाकिया किया क्वेश्चन आपके सामने एक और हाजिर है कौन कौन बच्चा ऐसा है जो इस क्वेश्चन को पहली बार जीवन में देख रहा है ठीक है ना आई थिंक मैंने इसको चौथी बार यूट्यूब पे बताया होगा अब देखो अब ये अपने आप अप ई की ई एस सी का क्वेश्चन है बेटा इंजीनियरिंग सर्विस का मैं भी कुछ नहीं कर सकता है बार बार बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म इक्वल टू सर जी कोर डाया मैंने कहा कोर गिवेन नहीं है सर जी मेजर गिवन है पिच गिवन है माइनर गिवन है नॉमिनल गिवन है बट सर बोल्ट ऑरिएंटेशन इज नॉट गिवन सो शेयर कुड बी आंसर अरे नहीं 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 धनंजय 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 इन द इन द लास्ट क्वेश्चन 26 फिर से सम, समझ में नहीं आया ओके विनय जस्ट जस्ट अ सेकेंड धनंजय जस्ट अ सेकेंड प्लीज गिव मी द फर्स्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन

अरे अक्षय अच्छा बाबा कहा चले गए अक्षय अच्छा बिल्कुल सही आंसर देता है इसका देवरसी अरे तिवारी जी आंसर करोगे अर्चना अबे आंसर करिए बच्चा लोग आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट कब बनता है जब शेंक डाया किसके बराबर हो सर जी आपने पढ़ाया था अरे यार ये हमने क्या करा सर जी आपने पढ़ाया था शेंक डाया इज इक्वल टू कोर डाया लेकिन बच्चा लोग यहां कोर डाया तो है ही नहीं ऑप्शन में तो क्या करें सर जी जब कोर नहीं दिया होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं माइनर डाया क्या लिखते हैं माइनर डाया जब शैंक नहीं दिया होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा नॉमिनल डाया क्या लिखते हैं नॉमिनल डाया समझे बात या का दूसरा नाम नॉमिनल डाया होता है और कोर का दूसरा नाम माइनर डाया होता है आंसर क्या होगा इसके बारे में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया है इसके बारे में चीख चीख के बताया मैंने पता है कैसे मैंने ऐसे समझाया था आप लोग को समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई बोल्ट है ठीक है ना आप जैसे कुछ कुछ बोल्ट होते हैं जो हाफ होते हैं ठीक है ना आपने सुना होगा ये चीजें कुछ बोल्ट होते हैं जो हाफ होते हैं हाफ मतलब हाफ नट होते हैं जिनमें क्या होता है हाफ नट होता है सॉरी ऐसे इस प्रकार से कुछ बोल्ट हमारे जीवन में पाए जाते हैं जिसकी अनुभूति हमें कभी नहीं हुई मैं आपको अभी दिखाता हूं कैसे देखिए कुछ बोल्ट ऐसे पाए जाते हैं कैसे सर ऐसे जैसे दिख रहे हैं ठीक है कुछ बोल्ट ऐसे पाए जाते हैं मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है कुछ बोल्ट ऐसे पाए जाते हैं मेरे भाई अब होता क्या है इसको, इसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्वेश्चन सीखोगे देन उसके बाद मैं लास्ट के दो क्वेश्चन समझाऊंगा सुनिएगा इसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कैसे बनाया अरे मेरे भाई यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाने के लिए हम लोग करते क्या मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं क्यों यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का क्यों बनाना है रीजन क्या है क्योंकि इसके नीचे वाला जो बोल्ट है ना उसका डाया क्या है उसका यूनिफॉर्म डाया क्या है उसके नीचे का बोल्ट है उसका यूनिफॉर्म डाया है उसका मिनिमम डाया उसका यूनिफॉर्म डाया क्या है इसका यूनिफॉर्म डाया क्या है बेटा इसका यूनिफॉर्म डाया का क्या नाम बेटा माइनर डाया ठीक है ना जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा कोर डाया अब सुनिएगा अब सुनिएगा ध्यान से या मेरे पास दो ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए या तो मैं यहां से लेकर यहां तक का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किसको किसको करना है सर दिस दिस पोर्शन 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 एंड या तो मैं ऊपर वाले में भी ऐसा ही खच, 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 थ्रेड काटू और कहूं तुम हो होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के दिस इज द वन टेक्निक व्हाट इज टेक्निक टेक्निक क्यों क्योंकि सर हमें ना कभी कभी क्या होता है ना हमें आधा नट ही डालना होता है आधा ही थ्रेड चाहिए होता है क्योंकि उससे ना स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी आती है पूछो क्यों क्योंकि सॉलिड सरफेस होने से ना बाद में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसका होता है क्योंकि सॉलिड सरफेस भी होना चाहिए थोड़ा हम पहले बोल्ट यहां से लेकर यहां तक का पूरा बनाते थे तो आज भी हमारे घरों में जो यूज होता है ना नट बोल्ट यही रखा होगा वो आज भी पूरा का पूरा थ्रेड वाला होता है यहां से लेकर यहां तक का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए हम ऐसा किए लेकिन अब चैलेंज हो गया हमारे सामने कि हम इन दोनों कैसे यूनिफॉर्म करें मैंने कहा तुम्हारा यूनिफॉर्म डाया क्या है कहता मेरा डाया तो वही मेरा यूनिफॉर्म डाया तो यहाँ वही है मेरा यूनिफॉर्म डाया भी है शेंक डाया ठीक है ना आप समझिएगा मेरी बात मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने कहा तुम दोनों बराबर कैसे हो अब सुनिएगा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग जाइए कहां आ गए आप लोग थोड़ा सा इधर आइए थोड़ा सा इधर चलिए यहां चलिए हाँ ठीक है ना जल्दी जल्दी इधर हो जाइए जिस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता अभी के अभी सब समझ में आ जाएगा बस 30 सेकेंड का और वेट कर ले वो बच्चा मैंने कहा आप दोनों में से किसकी डाया ज्यादा है तो बच्चे ने बोला कि इज ग्रेटर एज कंपेयर टू माइनर डाया मैंने कहा बात तो सही है बात तो सही है तो कह रहा है कि फिर इन दोनों को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाए ये तो यूनिफॉर्म डाया है मैंने बोला कैसे बनाए इनको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का ठीक है ना हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है किसको किसको वन एंड टू को एक और दो एक ये दो ये दोनों का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होना चाहिए मैंने कहा स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ की जब बात आई ना तो स्ट्रेंथ इज व्हाट फोर्स इनटू एरिया हा या ना सॉरी स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स बराबर स्ट्रेंथ क्या होता है फोर्स तो स्ट्रेस इनटू एरिया मैंने कहा बोल्ट कहता क्या मैंने कहा बोल्ट तेरे ऊपर कौन सा स्ट्रेस कहता सिग्मा टी मैंने कहा सिग्मा टी कहता टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेस भी इन टू ए वन कह रहा एरिया कहता ए टू मैंने कहा दोनों को अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है तो दोनों का एरिया क्या कर दो बराबर कर दो अब पंगा ये हो गया कि दोनों का एरिया बराबर कैसे करें तो मैंने कहा दोनों का एरिया बराबर कर दो तो कहता है फाइव फोर डी वन का स्क्वायर वन क्या है कोर डाया है मिनिमम डाया है ये वाला, वाला है तो सॉरी बाई फोर मैंने कहा से से कट गया यही हमें समझ में आया कि हमें डाया कितना टाइम्स हम सेंक डाया को कम करें जो माइनर डाया के बराबर हो जाए तो सेंक डाया को अपन क्या करेंगे बेटा कम करेंगे सेंक डाया कम कैसे करें हमारे पास दो ऑप्शन थे या तो हम बाहर से घिस के कम कर देते या तो हम पीछे से एक ड्रिल लेते और होल कर देते आपको नहीं दिख रहा है ना आपको मैं बताता हूँ आपको दिखाता हूँ मैंने आपको आज आते ही क्लास में दिखाया है वो चीज़ आपने गौर नहीं किया ये देखिए आपको ये बोल्ट दिख रहा है आपको इस बोल्ट में पीछे से ये होल दिख रहा है अरे सर ये तो हेक्सागन बोल्ट है अरे ये तो हमको पता है सर ये तो हम जानते हैं बट इसमें पीछे की ओर ऐसा ही होल किया जाता है ये बता रहा हूँ मैं यहां से लेकर यहां तक का पूरा होल कर दिया जाता है ये तो वैसे तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है। ऐसा ही होल किया जाता है डाया इक्वल करने के लिए हम पीछे से होल क्रिएट कर देते हैं ठीक है ना सोम में इससे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ठीक है ना हम कहां थे यहां थे यहां तो बेटा सैंक डाया को माइनर डाया के बराबर करना है क्योंकि ऐसा रहेगा तो भैया ऐसे रहेगा तो भाई काम नहीं चलने वाला दोनों की बनने वाली नहीं है ना मेरे प्यारे भाइयों थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्वप्निल थैंक यू बेटा सेंक डाया माइनर डाया सेंक डाया माइनर के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए उसके लिए अपन ने क्या किया बेटा हमें क्या चाहिए यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए इनका डाया क्या चाहिए बेटा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए इनका डाया चाहिए इक्वल तो हमें क्या चाहिए शेंक डाया इज इक्वल टू माइनर डाया ठीक है ना अब कैसे करें हम इक्वल तो बेटा इक्वल हम जब करेंगे कैसे करेंगे हम इसके अंदर क्या करेंगे ड्रिल करेंगे क्या करते हैं बेटा हम हम इसको ड्रिलिंग करते हैं ड्रिल करके इसका एरिया कम कर देते हैं ठीक है इसको हॉलो बना देते हैं ताकि एरिया इक्वल हो जाए आपस में और जब एरिया इक्वल होगा दोनों का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो जाएगा सो मेरे प्यारे भाइयों यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को मैं इतने इतना डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि आई थिंक आज तक के टोटल एग्जामिनेशन जितने भी मैंने दिए होंगे उसमें अगर परसेंटेज वाइज में आपको बताऊं कि आज तक अगर सत्तर पर, परसेंट, तो परसेंट यह आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमूल्य हो तुम मेरे लिए इतना अमूल्य रत्न है ये। इतना है। ध्यान दो। ना अब किसका किसका क्या क्या डाउट था अगर वो बच्चे यही बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी बात हो जाए उनसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में किसका कोई डाउट था किसी बच्चे का कोई डाउट था यहाँ सर बोल्ट अच्छा यहाँ धनंजय का डाउट था बेटा यहाँ तो धनंजय अगर आपको मेरी आवाज आपके कानों तक आपके दिलों तक धड़कनों तक मेरी आवाज आपके रूह तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सुनिएगा ध्यान से कि जब भी दो चीज जुड़ती है बीच में बोल्ट लगता है जब भी दो चीज जुड़ती है बीच में बोल्ट लगता है तो भाई इनके बीच में जो कनेक्शन किया गया है अब आपने कहा कि सर जी कनेक्शन कर दिया लेटर सपोज ये बोल्ट है हमारा ठीक है ना अब कनेक्शन कर दिया गया और फोर्स लगा के खींचोगे जाहिर सी बात है कि जब तुम खींचना चाहोगे तो भैया कॉमन सेंस है कि जो प्लेट प्लेट लग रहा है अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर निकल रहा होगा यस yes, अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेसर हो रहा होगा जैसे हमारा होता है पानी का बोतल अगर है आपके घर में तो बोतल के ढक्कन को जो टाइट करते उस सील पे भी अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर जाना चाहता है तो सील हमेशा टाइट रहता है तो मेरे प्यारे भाइयों इस पॉइंट पे बोल्ट के अंदर दो चीजें होती हैं क्या क्या जी है, तो टेंशन हो सकता है तो कंप्रेशन हो सकता आप से। अब हमें ये रहा है से। तो बोल्ट पे क्या महसूस होता हमने आपको एक हम कि नट एंड बोल्ट है हमेशा देखिए लिखा हुआ हम बोल्ट को नट के साथ क्या करते हैं जोड़ के एकदम टाइट कर देते हैं उस पोर्सन को है ना तो उस पोर्सन को जो हम टाइट करते हैं मैंने आपको एक चीज समझाया मान लीजिए धनंजय आप खड़े हो यू आर जस्ट लाइक अ बोल्ट ठीक है ना अब धनंजय मान लीजिए आप खड़े और आपका ई का मेन्स पेपर है या आपका ई का इंटरव्यू है है ना और अंदर इंटरव्यूअर आपका इंतजार कर रहे हैं चेयरमैन साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं ठीक है ना अग्रवाल जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं अग्रवाल जी ही हैं हमारे ठीक है ना अब अग्रवाल जी जो है हमारा आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर इंटरव्यू लेने के लिए तो हमने क्या किया आपको ऐसे पकड़ लिया नहीं धनंजय तुमको नहीं जाने देंगे हम आई के इंटरव्यू में मान लीजिए हमने आपको ऐसे पकड़ा तो आप हमें क्या करेंगे छोड़ाएंगे छोड़िए सर मेरा आई का इंटरव्यू है मुझे तो बेटा आप बाहर की ओर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे और मैं आपको अंदर की ओर कंप्रेस करना चाहूंगा तो बेटा ये दो चीजें होती है नट मैं एक नट हूं मैं कंप्रेस करना जानता हूं ठीक है ना और आप एक बोल्ट हो आपको टेंसाइल लोड लगाना है अब आप, आप कहोगे कि कंडीशन नहीं दिया है बेटा यहां सबसे बड़ा कंडीशन ये दे दिया कि ये क्या है प्रेशर वेसल है प्रेशर है तो भैया वही होता है और क्या होगा ठीक है ना तो ये आपका डाउट था अब किसी बच्चे का ये डाउट था इसमें कौन था वो चिंटू या हा विनय कुमार प्रजापति विनय कुमार प्रजापति अगर आप इस सम्मेलन इस मेले में हाजिर हैं तो आप तक अगर आपके बातों तक आपके दिलों तक आपके आप कानों तक आपके रूह तक ठीक है ना अगर आपकी आत्मा तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो कृपया करके बिल्कुल बोलिएगा और समझिएगा कि क्यों ऑप्शन नंबर ए सही था यहाँ यहाँ क्वेश्चन कह रहा है रिजिड फ्लेंज कपलिंग में साफ्ट जुड़े हुए होते हैं कपलिंग में साफ्ट को ही जोड़ते हैं ठीक है ना और उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग बोल्ट लगा देते हैं ठीक ना साफ्ट को जोड़ते हैं और उसको धन-धन हम लोग बोल्ट डाल देते हैं अब मेरे प्यारे भाई कॉमन सेंस है यार वहां अगर बोल्ट कर दोगे बोल्ट डाल दोगे तो मेरे प्यारे भाई जब वहां बोल्ट लग जाएगा तो सुनिएगा ध्यान से क्या होता है। When the इज कनेक्टेड the ऑफ द कपलिंग एंड द कपलिंग विल गेट द सम बोल्ट कनेक्शन सो द बोल्ट विल हैव effect इफेक्ट एंड दिस effect इफेक्ट विल गिव यू shear फोर्स है ना अरे वाह विनय जी यही है भैया मेरे विनय प्रताप जी तक आप मेरे दिल तक आवाज पहुंच गए अब मैं इसको शुद्ध हिंदी में थोड़ा बताऊं कि कपलिंग साफ्ट के ऊपर की जाती है उसके अंदर बोल्ट है तो मेरे प्यारे भाई साफ्ट टर्न करेगा साफ्ट दो चीजें करता है बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग ठीक है ना अब समझ गए ना बात बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग तो साफ्ट अगर ट्विस्टिंग कर रहा है तो बोल्ट पे शियरिंग हो सकता है ठीक है ना साफ्ट अगर ट्विस्टिंग कर रहा है तो बोल्ट के कनेक्शन पे शियरिंग हो सकता है साफ्ट अगर बेंडिंग कर रहा है साथ अगर बेंडिंग कर रहा है तो बोल्ट का जो कनेक्शन होगा उस पर भी बेंडिंग इफेक्ट आएगा बट बोल्ट बेंड होने के कारण फेल नहीं होगा ध्यान रखिएगा इस चीज को ठीक है ना क्योंकि वो रिजिड फ्लेंज कपलिंग है इतनी जल्दी बेंड नहीं होगा ठीक है ना ध्यान रखिएगा इफेक्ट आएगा बेंडिंग मोमेंट का ठीक है ना अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो मैं आपको एक और चीज जुगाड़ देता हूं देखो फिर से आप इसको देखना जस्ट लाइक सी दिस दिस इज द बोल्ट चमकता हुआ उंगली यह बोल्ट है अब यह साफ्ट अगर साफ टर्न ले रहा है ये तो रिजिड कपलिंग है बिल्कुल टर्न ले रहा है मेरा हाथ क्या हो रहा है टर्न ले रहा है. तो कॉमन सेंस है बोल्ट पे भी क्या जा रहा होगा मेरे उंगलियों पे क्या जा रहा होगा आप ऐसे उंगली फंसा लो आप भी घर में बैठे बैठे फोन सामने रख लो और ऐसे उंगली फंसा लो ठीक है ना ऐसे ऐसे करो तो क्या होगा बेटा ट्विस्टिंग बिल्कुल होगा ठीक है ना तो ट्विस्टिंग कारण नाम सियरिंग हो सकता है ना अगर मान लीजिए साफ्ट घूमने के साथ साथ क्या कर जाए अरे ऐसे हो जाए तो जब ऐसे होगा तो आप देखो उंगली पे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप ऐसे फसाए ऐसे उंगली कर रहे हो तो उंगली पे दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है हल्का सा दर्द हो रहा है हल्का सा बेंडिंग इफेक्ट जाएगा इन जाएगा बेंडिंग इफेक्ट होगा बेटा बोल्ट पे वहां पहुंचेगा ठीक है ना इन सॉलिड मैकेनिक्स वाइब्रेशन ओनली वी शुड स्टडी फ्री डैम्ब वाइब्रेशन यस यस अविनाश ओनली फ्री डैम्ड वाइब्रेशन इन योर सिलेबस एंड नेक्स्ट सैटरडे आई थिंक दिस सैटरडे या आई थिंक दिस सैटरडे इब्रेशन मैराथन ओके अविनाश सम वाइब्रेशन मैराथन फोर आवर वाइब्रेशन सुड बी कम्प्लीटेड फोर आवर वाइब्रेशन सुड बी कम्प्लीटेड ओके एक्सी मैकेनिक्स वाइब्रेशन शुड भी हाँ यार दुर्गा लाल अरे यार दुर्गा लाल कैसे हो इतने दिनों के बाद कैसी चल रही पढ़ाई बेटा रॉड एंड साफ्ट में क्या डिफरेंट है अरे चिंटू रॉड एंड साफ्ट में क्या डिफरेंस है चिंटू रॉड के ऊपर एक्सेल लोड लग सकता है बेटा जब तक देखो साफ्ट क्या होता है साफ्टे कॉमन रॉड है उसमें क्या होता है जब ट्विस्टिंग लगेगा पैरल लोड लगेगा तो कोई भी चीज वहां क्या हो जाएगी साफ्ट हो जाएगी ठीक ना अगर ट्विस्ट नहीं कर रहा है एक्सेल लोड लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बार कहते हैं रॉड कहते हैं कुछ भी कहो यार कॉमन सेंस लोड के हिसाब से देखते हैं ना रॉड एंड उसमें ऐसे आप डिफरेंस थोड़ी देख सकते रॉड पता लग होगा साफ्ट ऐसे कैसे कह दोगे कि रॉट कोई कुछ भी हो सकता है क्रॉस सेक्शन किसी का कुछ भी हो सकता है अगर आप ये कहोगे कि साफ्ट स्क्वायर सर्किल रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है साफ्ट ठीक ना जो भी आपको पता नहीं होगा आप कितने लोगों को ये नहीं पता है कि साफ्ट रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का भी हो सकता है ठीक है ना एस एस सी का बिल्कुल बेटा अभी मैं यही गेट के लिए आपको पढ़ा रहा हूं वेटिंग फॉर क्लास ओके अच्छा बढ़िया है बिल्कुल प्लस पे मजा आ रहा है अरे वाह देखे प्लस के बच्चों की बात ही अलग चलो अगला क्वेश्चन दिस इज द लिस्ट वन दिस इज द लिस्ट टू एंड यू विल गेट द आंसर इन द कोड चलो बाबा आंसर करो यार आंसर करो लाइक like बटन को भी सभी को दबाते रहना है चलो, चलो 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 जल्दी हाँ जी अरे कहा चलेगा चिंटू कौन दे दिया आंसर रमेश वेरी गुड सी दिस माय डियर दिस इज द लिस्ट वन दिस इज द लिस्ट टू एंड वी हैव ऑप्शन ए बी सी डी ओके नाउ सबसे बढ़िया आपको मैं दो जुगाड़ बताता हूं या तो आपको ये ये आता है तो आप मैच कर लो अगर नहीं आता है तो आई टू सॉल्व वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि जो बच्चा कमजोर है थोड़ा सा एग्जाम में और वो इसमें दो नंबर पाना चाहता है देखो मैं आपको कैसे बताता हूं यू कैन सी दिस मैं भी कभी कमजोर था मैं भी नहीं सोच पाता था कि क्या होगा यार मैं इतना तो पढ़ के आया नहीं कैसे करूं मेरे को हैंडल करना ये क्वेश्चन मेरे को चाहिए मेरे को सिलेक्शन लेना मैं क्या करूं मुझे दो नंबर चाहिए यू कैन सी दिस एक का या तो वन होगा या तो टू होगा टू रॉड मोशन ठीक है ना अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ध्यान से ये पढ़ने से अच्छा है ये पढ़ने से अच्छा हम उसको पहले चेक करें हमें इस चार और चार आठ में हमें पता क्या है जैसे मान लीजिए आपको क्या पता है लेटेस्ट सपोज कि आपको यहां ये पता है कि चलो भाई नकेल ज्वाइंट क्या होता है ये आपको पता है पिन ज्वाइंट क्या होता है लेटेस्ट सपोज ठीक है ना चलिए आपको पता है सबसे सिंपल पिन ज्वाइंट क्या होता है सर जी पिन कहां पढ़े अरे थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े तो है सर जी दो लिंक का जो आपस में जोड़ते हैं तो बीच में पिन लगा देते हैं बिल्कुल मेरे प्यारे भाई देखो ध्यान से पिन ज्वाइंट क्या है लिंक्स ऑफ फोर बार चेन अरे यार पिन ज्वाइंट का कनेक्शन कहां होता है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट पार्ट ऑफ ज्वाइंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट बिल्कुल इसको यहां जोड़ देते हैं अरे मेरे भाई मेरे को तो ये पता है अच्छा बिल्कुल पिस्टन रोड और क्रॉस हेड अच्छा पिस्टन रोड और क्रॉस हेड यहां क्या जोड़ सकते हैं अच्छा पहले देखो डी का वन हो गया तो डी का वन हुआ तो ये सही हो सकता है ये सही हो सकता है मतलब ए का टू होगा अरे वाह देखे मिल गया ना ए का टू होगा टू रॉड हैविंग सम एक्सेल मोशन नकल इंट वेरी गुड अच्छा अब मेरे को ना क्वार्टर ज्वाइंट के बारे में थोड़ा बहुत कहीं पता है अब देखो क्वार्टर ज्वाइंट क्या होता है पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड के बीच में क्वार्टर ज्वाइंट बिल्कुल लगता है लगता है यहां अभी मैं बताता हूं स्ट्रैप एंड ऑफ द कनेक्शन रॉड कनेक्टिंग रॉड के स्ट्रैप एंड पे देखो बेटा वहां सिर्फ क्वार्टर नहीं लगता स्ट्रैप के एंड पे क्वार्टर के साथ गिव हेडेड भी लगेगा गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट बिल्कुल वो लगेगा तो स्ट्रैप वाले पे क्या हो जाएगा बेटा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था लेकिन थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो आप काम कर जाओगे सी का फोर हो जाएगा बी का थ्री हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर डी सही है ठीक है ना तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें आंसर करना है हमें ना पीएचडी नहीं करना है क्वेश्चन पे एग्जाम में क्वेश्चन पे कभी पीएचडी नहीं करना है कभी भी नहीं बस आपको यह खेलना है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है ना कि यार आज इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है इंडिया ने पहले बॉलिंग की अब ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ ठोक दिया साढ़े तीन सौ रन है ना तीन सौ इक्यावन का लक्ष्य थ्री फिफ्टी वन का लक्ष्य तो जान तो क्या होता है तीन सौ इक्यावन का लक्ष्य होता है तो वो लोग ये सोचते हैं ना कि यार अब विराट जाएगा ना तो विराट पक्का एक सौ एक सौ बीस एक सौ पचास रन बना लेगा अच्छा इसके बाद अच्छा इसके बाद धोनी जाएगा तो धोनी तीस चालीस पचास रन बनाएगा लेकिन डिफेंडर की तरह खड़ा रहेगा विकेट नहीं गिरने देगा लेकिन विकेट नहीं गिरने देगा तो उधर से जाधव आएगा उधर से आ, कौन पांड्या आएगा वो रगड़ के मारेगा उसका उसकी प्रकृति उसका नेचर ही है कि वो खींच के मारेगा पचास साठ रन दस बीस बॉल के अंदर ही तो ऐसे करके ना वो लोग अपना अपना पारी खेलते हैं और आपको भी ऐसे ही खेलना है कि सौ नंबर का पेपर है यार हमें सौ में से सौ नहीं लाना है ठीक है ना सौ में से सौ अभी तक कोई गेट में टॉपर भी नहीं लाया सौ में से अंठानवे तक निन्यानवे तक सब लेके आते हैं मैं किस हिसाब से पढ़ के आया हूं हमें पहले ही पता होता है हमारा रिजल्ट आपको मैं पहले ही बता देता हूं आप एग्जाम से देने से जाने से पहले ही आपको अपना रिजल्ट पता होगा ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा तीस नंबर का पढ़ के आया है और उसका अस्सी नंबर आ जाए ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक गेट में ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट गेट में कभी नहीं आता है ना हाँ ये हो सकता है कि आप अस्सी नंबर का पढ़ के आए तो साठ सत्तर नंबर आए ये हो सकता है घटने वाला रिजल्ट होता है गेट का ठीक है ना कभी भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता ठीक है ना अब क्या होता है कि हाँ सो नंबर का पेपर है यार मतलब कहते ना कि अपनी औकात पहले से ही पता रहती है कितना हमने घूमा है कितनी हमने यूट्यूब सर्फिंग की है क्या क्या नहीं किया है हमने ये सारी चीजें एग्जाम के गेट पे सेंटर पे खड़े हो गए ना एग्जाम सेंटर पे तो याद आता है तब बात याद आती है अच्छा मैं सोचता था कि मैं नब्बे नंबर के लायक हूं ना ये फ्री फायर पबजी ने तो मेरा दस नंबर उड़ा दिया मैं पक्का पचास या साठ नंबर का लायक हूं आपको अपने आप लायक पता चल जाता है जब आप फुल ऑफ माइंड आप पूरी प्रिपरेशन से जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस ये सीना एकदम चौड़ा जैसे आ, आ, चेस्ट चेस्ट मार के आते हैं ना जिम में जब चेस्ट मार के आते हैं सीना ऐसे फुलाए चलते हैं क्या चेस्ट मारा है जैसे बाइसअप मार के आते हैं बाइसअप उसे तो ऐसे जब आपको अस्सी नब्बे सौ नंबर का तैयार होता है ना सीना एकदम चौड़ा होता है तो देख लेंगे क्या होगा एग्जाम में तो आप उसी हिसाब से इंटर करते हो कि मेरे को चाहिए अस्सी नंबर अस्सी नंबर के लिए यह क्वेश्चन मेरा दो नंबर देगा मेरे को इसके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाना है तू दो नंबर दे और जा मेरे भाई मेरी जिंदगी से दूर चला जा ऐसा होता है सच्चाई बता रहा हूं एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूं सच्चाई है सच्चाई है सच्चाई है एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूं और वो स्टूडेंट ऐसे ही खेलता है जो स्टूडेंट कम पढ़ के जाता है तीस नंबर पैंतीस नंबर तो लाना ही लाना चाहे जो हो जाए नहीं तो पापा मारेंगे एक साल से तैयारी कर रहा हूं पैंतीस नंबर चाहिए नहीं तो पूरा घर सुनाएगा मुझे कि पबजी खेल के बर्बाद हो गया दो नंबर यहां से बनाता हूं अगले क्वेश्चन से एक नंबर पक्का बनाता हूं चाहे जो हो जाए क्योंकि गेट है स्टेप मार्किंग तो होना नहीं है और ना कोई बगल में दोस्त बैठा बगल में कोई कंप्यूटर साइंस वाला बैठा हो कोई एसी वाला बैठा होगा कोई सिविल वाला भी नहीं बैठा होगा जिससे सोम का क्वेश्चन चार पूछ ले, ठीक है ना बात समझ में आई तो इस तरीके का खेल होता है गेट के एग्जाम में तो मेरे भाई वो गेट का एग्जाम है इसीलिए तो कहते हैं प्योर एग्जाम है। तो आपको ना आपको एक एक नंबर बनाना है गेट में जब आप दो नंबर के क्वेश्चन मारते हो ना आपको सच्चाई यहां से ठंडक पहुंचती होगी आज तो दिल खुश कर दिया आज तो इस एग्जाम ने ठीक ना देखे रियलिटी यही है ना अकुल से सर जी आज से स्टार्ट करें तो गेट क्वालिफाई हो सकते हैं मेरे भाई आज तक का सबसे शॉर्टेस्ट टर्म मैं आपको बताता हूं मेरा एक बार गेट में 55 56 नंबर के बीच में था और वो तैयारी मैंने 18 दिन के अंदर की थी ठीक ना मैंने छह बार गेट दिया हुआ है ठीक ना 18 दिन के अंदर मैंने गेट दिया था 18 दिन के अंदर पढ़ के तो अभी से तो एक महीना है ठीक ना अट्ठारह दिन तो बहुत कम है लेकिन हाँ सूर्य भगवान को नहीं देखना है दूसरी चीज नहाना नहीं है बिल्कुल भी तीसरी चीज सोना बिल्कुल डेढ़ या तीन घंटे मुश्किल से ठीक ना अट्ठारह से बीस दिन ठीक है ना मतलब अट्ठारह से बीस पच्चीस घंटे तक मैं मैं सोच सच्चाई बता रहा हूँ बीस बाईस घंटे तो आराम से पढ़ो बीस घंटे खींच के बीस घंटे एकदम तो खींच के पढ़ो सो ही तो किताब रख के सो बगल में उठते ही किताब सामने ठीक है ना अट्ठारह से बीस घंटे अगर डेली पढ़ रहे हो तो हो सकता है बिल्कुल आ सकता है पचास बावन पचपन नंबर क्यों नहीं आ सकता अरे यार फॉर्मुला ही तो पढ़ने हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही तो करनी है इतने सारे इतने सारे यूट्यूब के वीडियो पढ़े सब टू एक्स की स्पीड में देख मारेंगे उड़ा देंगे क्वेश्चन हम ठीक है ना जब आपका एक दो चार फॉर्मूला चार आप जब चार क्वेश्चन अपने मन से सही कर लोगे ना आपको लगेगा आ, इस बार का टॉपर मैं ही हूं और कोई नहीं इस बार पापा से पक्का कहूंगा एक बाइक दिला दो मुझे ठीक है ना ऐसे सोचते हो चार क्वेश्चन होते ही जा वो भी अगर दो दो नंबर के निकल गए तो अच्छा होता क्या ना गेट वाले चालू इतने हैं मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ बाईस क्वेश्चन जो होते हैं हमारे स्टार्टिंग के एक, एक नंबर के बहुत आसान आसान होते हैं मतलब स्टूडेंट जब उस बाइस क्वेश्चन करता है ना एक नंबर वाले क्वेश्चन को जिसको हमें तीस या चालीस या पचास साठ सेकंड के अंदर आंसर मैक्सिमम को मैक्सम दे देते हैं उसको बड़ी शिद्दत से करता है क्योंकि कम पढ़ के आया होता है वो सोचता है ये बाईस नंबर स्कोर हो गया तो पैतीस में से तो बाईस स्कोर ठीक है ना ये भी होता है ध्यान रखिएगा बिल्कुल दुर्गा बिल्कुल बिल्कुल बेटा कॉल करो दुर्गा लाल अगर बात करनी हो मुझसे तो कल दिन में बेटा डेढ़ बजे अब वन थर्टी पीएम फ्री हूं डियर वन थर्टी पीएम दिन में फ्री हूं ठीक है ना दिन में डेढ़ बजे कॉल करना ठीक है ना अच्छा आज टेस्ट था पचपन नंबर आया वेरी गुड चलो <laughs> चलो गाइस सी दिस अच्छा कल से मैं भी टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों का कल से मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं कहां स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके कहा स्पेशल सेशन में टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं और वन शॉर्ट सॉल्यूशन ला रहा हूं क्या लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए आपको बताया नहीं मैंने वन शॉर्ट सॉल्यूशन ये क्या है ये क्या तीर आ गया वन शॉर्ट सोल्यूशन ये उन बच्चों के लिए है जो 20 दिन में गेट में 50 नंबर लाना चाहते हैं 20 दिन में गेट में 50 नंबर लाना चाहते हैं ये ये उन बच्चों के लिए है वन वन और ये one sort solution मैं स्पेशल क्लास में लेकर आने वाला हूं ठीक है ना ये मैं कल तो टेस्ट ले रहा हूं कल ही मैं आप लोग को अनाउंस भी करता मैं ये चीज तो अभी आज रात में ही कर दिया है परसों या उसका नर्सों से आ जाएगा बीस दिन के अंदर गेट में पचास नंबर तक कैसे लाना है ठीक है ना वन सॉल्यूशन कैसे मैंने किया और यहां जो होगा ना यहां सारा सब्जेक्ट मैं हैंडल करूंगा ये मेरा स्पेशल क्लास का होगा और आपको पहले ही बता देता हूं टोटल फोर्टी आवर की क्लास लूंगा फोर्टी टू फिफ्टी आवर चालीस से पचास घंटे फोर्टी टू फिफ्टी आवर ठीक है पचास घंटे के अंदर मास्टर आदमी बना दूंगा मैं सीरियसली बता रहा हूं पचास घंटे अंदर ऐसा फील करा दू बस ताकत यहां होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है आ, मैं पूरी जान लगा के पढ़ा दूंगा नहीं ताकत होनी चाहिए मुझे करना है दैट्स इट तभी आना क्लास में चलो थर्टी वन अरे बाबा माओ आओ जल्दी आओ जल्दी 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 थर्टी वन अरे दर्शन जी आ गए बिल्कुल हेलो दर्शन कल से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है दर्शन दर्शन हमारे टेस्ट के सुपर स्टार आदमी चलो दर्शन जी इसका आंसर करेंगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेहतरीन जिसको कहते हैं ना वो है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा गेट में अच्छा आप लोगों को मैं एक चीज और बताता हूँ कि मैं आप लोगों को ना ऐसे टॉपिक कराऊंगा ना उस चालीस या पचास घंटे में मतलब जो बच्चा प्लस नहीं ले पा रहा है इस समय और जो पढ़ना चाहता है सिलेक्शन लेना चाहता है उसको गेट स्कोर कार्ड चाहिए बस वो अपने घर पे दिखाना चाहता है कि मैं लायक हूं दैट्स ट मैं नौ महीने पबजी खेलूंगा लेकिन एक महीने में गेट उखाड़ दूंगा ये अगर करना चाहता है तो वो स्पेशल क्लास जरूर ले और उस स्पेशल क्लास में मैं आपको बता बताऊं मैं सीधे उस पर लेकर जाऊंगा जो आएगा जैसे ये क्वेश्चन आएगा पूछो क्यों क्योंकि ये आता है प्राइमरी सीयरिंग सेकेंडरी सीयरिंग गेट में आता है डन है डन है मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा उसमें जैसे मैंने मशीन डिजाइन उठाया तो दो से तीन घंटे में मशीन डिजाइन खत्म टोम उठाया तो चार तीन से चार घंटे में टोम खत्म ऐसे होगा ठीक है ना ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं अब ए रिविटेड ज्वाइंट है डिजाइन सपोर्टेड सेंट्रिकली लोड पी द लोड जनरेटेड वैल्यू एफ वन इक्वल टू फोर किलो न्यूटन एफ टू इक्वल टू थ्री किलो न्यूटन ये फोर है ये थ्री है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ईच रिविट आर क्या आप लोग ऐसे किसी सेक्शन का स्टार्ट इंतजार कर रहे थे अच्छा हाँ टेस्ट देखा इंप्रूवमेंट हुआ है है ना बिल्कुल अरे यार कहा चले गए तुम ये रहे। हाँ तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन कर रहे स्ट्रेस इन द रिबिट एज रिबिट के ऊपर स्ट्रेस कितना है देखो दो ही दो ही रिबिट है एक, ही है, एक ही है. Eccentric, uh, distance, ये एक वैल्यू ऑफ दिक्रिसिटी डिस्टेंस ये एल यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज एल ठीक है थोड़ा सा मैं सही से बना दू यार ये सेंट्रिक डिस्टेंस जो है दैट इज एल ओके नाउ द वैल्यू ऑफ द लोड पी इज सिक्स किलोमीटर द रिजल्टेंट ऑफ ईच फोर्स इज सिक्स किलोमीटर जल्दी बताओ मेरे को एक दो तीन चार में क्या होगा एमएसक्यू क्वेश्चन है ये अरे कोई नहीं रे पढ़ो रे पढ़ो 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 पढ़ाई करो रे बाबा बिल्कुल चलो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो अच्छा सबसे बेस्ट चीज जानते हो क्या है सबसे बेस्ट चीज समझाता हूं सबसे आसान चीज कि अगर सही नहीं पता है तो गलत काट दो अच्छा इन सब में जानते हो सबसे आसान बीच का एंगल कितना है बेटा अच्छा आपको पता है, F2, F2, F1 क्या है? F primary, F है और क्या ठीक है ना इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होता है रे नहीं पता क्या भूल गए क्या मैकेनिक्स में नहीं पढ़े हो क्या सर पी स्क्तर एंगल कितना जीरो तो स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर क्या आएगा बेटा रिजल्टेंट विल का रहा है बाबू का रहा? सर जी छ किलो न्यूटन तो क्या होगा वाह गलत अरे यार बड़ा नुकसान हो गया पूछो क्यों चार गलत हुआ तो सिर्फ एक ही आंसर गलत हुआ हम सोचे दो तो जाए कम से कम चलो तीन को चेक करते हैं तीन गलत हुआ ना तो बवाल मच मज जाए मजा आ जाए तीन को चेक करो गलत है ना हाँ अरे स्वप्निल कह रहे सी आंसर अच्छा सी गलत है अरे सी गलत है बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल देखो अब देखो ध्यान समझना क्या तीसरा सही है तीसरा सही है अरे सुनो ध्यान से अब तीसरा सही है कि नहीं उसको चेक करना है वो भी बहुत आसान है देखो नीचे से ऊपर की ओर F2 नीचे से ऊपर की ओर F2 है ना तो दो F2 एक P के बराबर है दो एफ टू एक पी के क्या है बराबर है ठीक है ना तो पी बराबर क्या है बेटा दो एफ टू एफ टू कितना है तीन हाय तीन दो ना छ अरे वाह तीसरा सही है अरे यार तीसरा सही हो गया ये भी बवाल है ये भी सही है ये भी सही है इसका मतलब आंसर नहीं मिल पा रहा अब जानते हम किस पे जाएंगे अब हम जाएंगे एक पे एक को चेक करेंगे ये अगर सही निकल गया ना फिर भी बवाल है नहीं अगर ये सही निकल गया तो दो भी चेक करना पड़ेगा क्या है रे माता क्या सही होगा क्या सही होगा एसेंट्रिसिटी 100 एम एम स्ट्रेस टेन न्यूटन चेक करो चेक करो क्या से बेटा हमें 50 लाइक चाहिए कितना लाइक चाहिए 50 लाइक और नहीं ज्यादा उम्मीद ही नहीं करता हूं मैं मुझे पचास लाइक चाहिए कितना लाइक पचास फिफ्टी आई थिंक आर गेटिंग माई पॉइंट पचास लाइक ठीक है ना चलो आंसर करो एक सही है दर्शन से एक सही है कैसे सही है कैसे सही है अरे भाई स्ट्रेस इज टू फोर्स अपॉन एरिया और क्या अरे रिजल्टेंट फोर्स कितना पांच एरिया कितना है पांच सौ पांच किलो न्यूटन हंड्रेड एम एम सो आई थिंक दिस वन इज़ द टेन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एक सही है रिजल्टेंट फोर्स अपॉन एरिया और क्या यही तो करते हैं अच्छा

ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. लगाइए. यार. रिजल्टेंट का अलग -अलग का इक्वल टू अलग-अलग फोर्स सम ऑफ ऑल डिस्टेंस नहीं गिवेन है. है तो कहां से निकालेंगे भैया दो गलत दो हमको नहीं पता कहा इनसफिशियंट डाटा इनके बीच का डिस्टेंस नहीं गिवेन हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से थे? खत्म कहानी वन थ्री सही आगे बढ़ो ठीक है ना हमें पीएचडी नहीं करना है हमें आंसर चाहिए हाँ दो को चेक कर मत करना बेटा हमें पीएचडी नहीं करना है याद रखना जीवन में या एग्जाम के अंदर हमें दिल पे हमेशा एक बात यही कहनी है हमें क्वेश्चन के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाना है क्वेश्चन कोई बबली नहीं है क्वेश्चन के साथ हमें कोई पी नहीं करना है क्वेश्चन कोई हमारा डिग्री नहीं है हमें आंसर चाहिए बस it, तेरा काम खत्म मैं निकलता हूं अब ठीक है ना दैट सेट इतना ही इतना इतना ही रिश्ता निभाना है ठीक है ना आज जब सिलेक्शन हो जाए तो कह देना भाई तेरा काम खत्म हुआ मैं जा रहा हूं अपनी जॉब करने तू रह अपने रास्ते ठीक है ना ध्यान रखना चलो सर्कुलर सॉलिड रॉड ऑफ डायमीटर डी वेल्डेड टू ए रिजिड फ्लैट प्लेट अच्छा एक रिजिड फ्लैट प्लेट के साथ सर्कुलर सॉलिड रॉड क्या किया गया भाई वेल्डेड कर दिया गया अरे ये मैंने पढ़ाया है पूछो कहाँ पढ़ाया है अरे अभी अभी मैराथन हुआ था उसमें मैंने बच्चों को पढ़ाया अभी बच्चों याद है कितने बच्चे है यहां जिनको याद है कि वेल्डेड ज्वाइंट में सर आपने ये वाला केस पढ़ाया था यहां आपने टॉर्सन बेंडिंग दोनों दिखाया ठीक है ना सर्कुलर फिलेट वेल्ड बिल्कुल ऑफ द थ्रोट थिकनेस टी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग अरे वाह देखो अब ये क्या आ गया बेटा ये ट्विस्टिंग वाला केस आ गया याद करो मैंने यहां एक चीज दिखाया था आपको कि इस केस में एक ट्विस्टिंग का होता है एक बेंडिंग का होता है याद आ रहा है याद आ रहा है कुछ जब हमने बेंडिंग का देखा था तो आई थिंक जब ट्विस्टिंग का देखा था तो 2.83 आया था और बेंडिंग का देखा था तो 5.66 आया था और मैंने महा मैराथन जो भी लिया था उसमें मैंने आपको कहके दिखाया था कि इसका दो गुना कर दो आ जाएगा यही था मैं एक बार चेक कर लेता टू पॉइंट एट टू हाँ देखो यही था बिल्कुल डाटा याद पाई टी डी स्क्वायर तो सबको पता है भाई पाई टी डी स्क्वायर यस टी डी स्क्वायर होगा बिल्कुल यस ये वाला आएगा टू एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी होती है एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है अपॉन पाई टी डी स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी सही ये मैंने डेरिवेशन किया हुआ बेटा अगर इस क्वेश्चन में मेरे भाइयों अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं इसके अब आपसे कहता है कि उस पर बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है तो bending moment आएगा, तो आएगा फाइव टी हो जाएगा ध्यान तो 60 हो जाएगा या actual answer है इसका ठीक ना यू कैन सी दिस बेंडिंग मूवमेंट आ जाए अगर इसमें मूवमेंट आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं उसका आंसर होगा फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स एम अपॉन स्क्वायर आ जाएगा अगर ट्विस्टिंग ना होके क्या हो जाए बेंडिंग आ आ जाए बेंडिंग आएगा तो ये आंसर होगा ध्यान रखिएगा ठीक ना यहां मैक्सिमम सियर स्ट्रेस आया ये क्या बेटा ये मैक्सिमम सियर स्ट्रेस है और ये क्या है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा इस केस में क्योंकि साफ्ट में बेंडिंग ट्विस्टिंग कुछ भी हो सकता है यस कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई अरे आपने अगर बारह घंटे वाला मैराथन नहीं देखा तो क्या देखा क्या देखा बारह घंटे का नहीं था तेरह घंटा हो गया था ठीक है ना बारह घंटे से ज्यादा पढ़ा दिया था मैंने ठीक एक तो नौ घंटे का था एक अगले दिन भी साढ़े तीन चार घंटे का था क्लास ठीक है ध्यान रखिएगा अरे अनुपम जी इतने दिनों के बाद क्लास में आते हुए बड़ा दिल खुश हो गया देख के जब अपना बच्चा क्लास में आए तो दिल एकदम गदगद हो जाता है दुर्गा लाल आप लोग क्लास में आया करो बहुत अच्छा लगता है ठीक है ना आंसर करो फिर से आ गया मैचिंग द वर्ड फिर से क्या आ गया मैच करने वाला है ना मैच वाला आ गया तो अब क्या करोगे बताओ क्या करोगे कैचेस विन द मैचेस कैच कर लो भाई किसको कैच करें क्या क्या पता है आपको अरे हमको डबल ट्रांसफर्स पता है हमको सिंगल ट्रांसफर्स पता है हमको टर्सनल टेंशन भी पता है, पता है अच्छा आओ इस पे चलते देखो ए का या तो फोर होगा या तो थ्री होगा अच्छा चलो यहां देखते हैं बोल्ट्स इन बोल्टेड ज्वाइंट ऑफ इंजन सिलेंडर कवर प्लेट ए भाई बोल्ट्स इन बोल्टेड ज्वाइंट ऑलवेज इन टेंशन इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता अगर इस क्लास में कोई इस बात से नकारता है तो मैं उसे बर्खास्त करता हूं इस क्लास से बोल्ट टेंशन में होगा बोल्टेड ज्वाइंट के अंदर कॉमन सेंस यार नट उसको ऐसे दबा के रखेगा चिंटू भागना चाहेगा का फोर होगा भाई दी दी गया ठीक ना ए का फोर होगा तो सी का थ्री होगा देखे अपने आप हो गया ए का फोर होगा तो सी का थ्री होगा सी का थ्री होगा चलो भैया मिला दो रिविट इन लैप ज्वाइंट सिंगल ट्रांसफर्स अरेगा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं मिला दिया बारी आई कि बी का वन होगा कि टू होगा और डी का टू होगा कि वन होगा आप देखो ध्यान से क्वार्टर इन क्वार्टर ज्वाइंट क्वार्टर इन क्वार्टर ज्वाइंट मेरे भाई क्वार्टर ज्वाइंट कैसा होता है सर जी ऐसा होता है दिस इज वन दिस इज टू ये क्वार्टर ज्वाइंट यस दिस इज वर्ड दिसर ज्वाइंट क्वार्टर ज्वाइंट सर क्वार्टर इन क्वार्टर ज्वाइंट क्वार्टर इन क्वार्टर ज्वाइंट क्या होगा डबल ट्रांसफर सीयर होगा या टॉर्सनल सीयर होगा क्या होगा क्या यहां टॉर्सनल सीयर होगा आपको लग रहा है आपको लग रहा है यहां कोई नाच रहा है सर जिसके साथ कनेक्ट है वो तो नाच रहा है अरे क्वार्टर क्वार्टर इन क्वार्टर ज्वाइंट सिर्फ क्वार्टर ज्वाइंट की बात की जा रही है क्या वहां टॉर्सनल वर्ड आएगा नहीं आएगा वहां क्या आएगा डबल ट्रांसफर डबल ट्रांसफर्स वर्ड क्यों आया सर फेल यहां से भी हो सकता है फेल यहां से भी हो सकता है फेल दो जगह से हो सकता है डबल ट्रांसफर सियरिंग हो सकती है डबल सियरिंग हो सकती है सर जी ध्यान रखिएगा फेल यहां से भी यहां से भी है ना तो पिन दो जगह से टूटेगा ध्यान रखिएगा तो याद रखेगा इसीलिए ध्यान रखिएगा दिया Now, मेरे प्यारे भाई बी का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा एंड बोल्ट होल्डिंग टू फ्लैंज इन अरे यार ठीक है तुम्हारा आंसर ठीक है भाई तुम डू हो मैं तो पढ़ता ही नहीं मैं जब गेट देता था ना जब मुझे पता चल जाता था कि आखिरी वाला यही है तो पढ़ना नहीं हटाओ हमारा काम बन गया ना खत्म कहानी बी से वन हमें सिर्फ उतना मतलब होता था कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता चल गया दैट्स इट हमें इससे ज्यादा नहीं कुछ लेना देना हमें कोई रिश्ता नहीं निभाना उससे हमारा काम बन गया दैट्स इट अब तुम कहोगे कि सर जी मैंने बचपन से सीखा है पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ना पूरा पूरा करोगे तीन घंटा में नहीं होगा एग्जाम थर्टी फोर अरे यार ये बार बार मैचिंग आ रहा आज अरे यार फोर्टी वन लाइक हुआ है यार ये क्या है फिफ्टी तक नहीं पहुंचेगा क्या आज क्या चाहते हो लगाओ दस थे यूट्यूब चैनल बनाए और लगाओ यूट्यूब से लाइक हमें लाइक चाहिए डिफरेंट सिस्टम दिस इज़ डिफरेंट सिस्टम एंड लिस्ट एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी अरे वाह अरे गजब इसका आंसर तो आप तुम लोग कर ही दोगे ठीक है ना चलो करो हम्म बताओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा ये ट्रिक पहली बार सीखो दुर्गालाल दुर्गा लाल अरे कहाँ थे तुम इतने दिनों से बताओ ये लड़का अगर देखो ध्यान से देखना अब अब, अब समझने की कोशिश करो जी, सर जी मैंने कहा क्या हुआ कहता सर जी मैंने कहा हुआ क्या कहता सर जी हम आ, कहीं अच्छा, पढ़े हैं फूलरिंग अच्छा फूलेरिंग पढ़े हो कहता कहाँ हमने कहा आ, कहता सर जी आप पढ़ाए थे फूल रिंग हमको याद है हमने कहा किसमें तो कहता सर जी जब रिविटेड ज्वाइंट पढ़ाए थे तो फूले रिंग पढ़ाए थे आप आपको याद हो तो रिविटेड ज्वाइंट में मैंने मैराथन के अंदर नहीं लिया था क्योंकि तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं मैं इसको ठीक है ना एक होता हमारा फूल रिंग ध्यान रखिएगा आई थिंक आप लोगों ने सुना है इसके बारे में सी तो, अरे पुलरिंग के बारे में सुनो ना रिविटेड जॉइंट होता है इसका ठीक है ना रिविटेड जॉइंट होता है फुलरिंग ठीक है ना लीक प्रूफ जॉइंट में पढ़ाते ना फुलरिंग वही है ये तो रिविटेड जॉइंट होगा क्या फुलरिंग तो ए का क्या हो गया थ्री हो गया अगर ए का थ्री है तो मतलब बी और सी गलत हो गया अगर ए का थ्री है तो सी का वन है खत्म कहानी लीफ स्प्रिंग में निपिंग होता है अच्छा हमारे सामने दो चीजें हैं ठीक है ना ये क्या क्या होगा एक है वेल्डेड एक है नक्कल ज्वाइंट यार नक्कल ज्वाइंट में फ्यूजन कभी नहीं हो सकता लेकिन वेल्डिंग करेंगे तो फ्यूजन जरूर हो सकता है जब हम वेल्डिंग करते हैं तो फ्यूजन होता है फ्यूजन वेल्डिंग सुना है हमने कहीं नाम हाँ अरे वाह नाम सुनने से ही काम हो गया बी का फोर लो रे दादा आंसर आ गया हमें नहीं हमें मतलब ही ये देखो हम सब अच्छा एक चीज आपको हम आज के बाद जीवन में याद करा देते हैं जब भी नकेल ज्वाइंट आएगा नकेल ज्वाइंट आएगा आज के बाद हम जीवन में एक चीज याद करा देते हैं और आपको मैं उस पर तीन चार क्वेश्चन दिखा देता हूं आप सभी लोग बिल्कुल परेशान मत हो ध्यान से जब भी नकेल ज्वाइंट आएगा तो नकेल ज्वाइंट में एक वर्ड है नकल ठीक है ना आप जैसे तुम एग्जाम दे रहे हो यूनिवर्सिटी एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम तुम्हें पता है कि बैक लगने वाली है तो तुम क्या मारोगे नकल तो तुम क्या करोगे होगा ना ऐसे ही नकल मारोगे ना बोलो हाँ या ना देखो मैं अभी याद करा रहा हूं क्या करा रहा हूं याद करा रहा हूं नकल ज्वाइन तुम क्या मारोगे नकल ठीक है ना फिर टीचर आएंगे तुम्हें एक खींच के लगाएंगे तुम क्या हो जाओगे घूम जाओगे फिर से लेकिन फिर भी वो आगे जाएंगे फिर भी क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम बैक लगने वाली है अब पास होना कैसे भी तुम्हें तो क्या मारोगे नकल तो नकेल मारने के लिए तुम बार बार क्या ले रहे हो मूवमेंट ले रहे हो अगर तुम ये मूवमेंट ना लो रिजिड रहो तो तुम अगले साल फिर मिलोगे इसी सब्जेक्ट में तुम्हें खुद पता है इसलिए तुम्हें बार बार मूवमेंट लेना पड़ रहा है तो नकेल ज्वाइंट जब भी आएगा तो वहां कभी रिलेटिव मोशन होगा कभी एंगुलर मूवमेंट होगा कहीं ना कहीं मोशन की बात की जाएगी तुम कहोगे कि सर जी इस क्वेश्चन के हिसाब से देख के बता रहे हैं ना एंगुलर मूवमेंट मैंने कहा रुको मैं तुम्हें अब इसका सच्चाई बताता हूं देखो यहां एंगुलर मूवमेंट है मोशन बिल्कुल चलो अभी ऐसे ही पीछे चलते रहो एक बार और नकेल आया था मैं बस देखना चाहता हूं कितनी सत्यता है मेरी बातों में ये क्या है नकल मारना ये क्या है नकल मारना चलो ये क्या है रिलेटिव एक्सेल मोशन क्या लिखा है है ना नकल मारोगे क्या करोगे मोशन लोगे ना रिलेटिव मोशन लोगे कटो यार तुम्हें क्वेश्चन करना है बस तुम्हें पीएचडी थोड़ी ना करना है पीएचडी तो मैं कर रहा हूं और मैं कंप्लीट करूंगा पीएचडी तो मैं कर रहा हूं बेटा तुम मत करो तुम एमटेक करो उसके बाद मास्टर आदमी बनो आगे बढ़ो जीवन में रिसर्च करो चलो अरे देखो दर्शन कह रहे हैं अरे वाह सर धांसु है सर दाँसु है ना ठीक है ना नकल मूवमेंट करेगा ट्रॉफी बढ़ जाएगी <laughs> तुम लोग मस्ती लेने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हो मतलब कुछ भी हो सर के क्लास में पहुंचते मजा आ जाए अच्छा तुम लोग को एक चीज पता चला तुम लोग को एक बात पता चली क्या क्या कुछ बात पता चली तुम लोग एक बात पता चली जल्दी जल्दी बताओ गेट तो पालक के भाव कट रहा है बिल्कुल सच्चे बात अच्छा तुम लोग को एक बात पता चली क्या सर दो घंटे हो गए क्लास को टू आवर हो गया क्लास को पता चला कुछ नहीं पता चला अभी तक तो क्लास चल रही है मजा आ रहा है ऐसा फील हो रहा होगा रिफ्रेश अभी तो स्टार्ट हुआ है अभी तो इंजन स्टार्ट किया है जब स्टार्ट करते हैं ना तो अभी तो स्टार्टअप है जब अपन चलेंगे आगे तब तो तो देखते नहीं पता चला है ना ऐसा ही होता है व्हाट इज द मैं कहीं नहीं जा रहा मैं पहले इसको सीखूंगा ये है क्या ये हमको बताओ इसके बारे में एक बार याद करो मैंने सिखाया था कि थर्टी सिक्स हमारा नॉमिनल डाया हो जाता है फोर हमारा पिच हो जाता है और सी हमारा कोर्स कोर्स क्या कहते हैं कोर्स ग्रेन हो जाता है है ना चीज मैंने आपको सिखाया था ये बेटा ये बोल्ट का स्पेसिफिकेशन है क्या है मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ अरे यार चिंटू यार कलर कलेक्शन तो गलत करता है चला थर्टी सिक्स क्या है नॉमिनल फोर क्या है पिच है और सी क्या है कोर्स ग्रेन या कोर्स आप कह सकते हो उसमें कोर्स थ्रेड है ठीक है अरे यार क्या है यार कलर में दिस लेता द दा नॉमिनल डाया और हमारा पिच एंड सी हमारा क्या हो गया कोर्स गेन कोर्स थ्रेड हो जाएगा बस इतना ध्यान रखना ठीक है ना अरे मैं आपको बता रहा हूं ना एक बार क्या हुआ एक बार गेट का एग्जाम देने गया मैं ठीक है ना मैं बहुत बार गेट का एग्जाम दे चुका हूं तो मैं गेट का एग्जाम देने गया अब मैं पहली बार गेट के एग्जाम में आया ऐसे ही एम टेन करके ऑप्शन था एक बार गेट के एग्जाम में एंड आंसर था उसका मैं एम टेन लगाया आया था गेट के एग्जाम में मैं समझ ही ना पाया एम टेन क्या है एम होता है बेटा मैट्रिक थ्रेड मेट्रिक मेट्रिक थ्रेड होता है ठीक है ना बोल्ट में जो थ्रेड होता है वो मेट्रिक थ्रेड होता है इंडियन स्टैंडर्ड पे है आई एन एस ने दिया हुआ मैंने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं मैंने मजाक मिलेगा छोड़ छाड़ के आ गया उन्हें गलत हुआ हुआ कोई बात नहीं चलते अपन खेलेंगे कूदेंगे ऐस करेंगे और क्या फिर अगले साल का गेट आ गया फिर पहुंच गया इस बार गेट में जैसे एम थर्टी सिक्स फोर लिखा है ना एम थर्टी सिक्स क्रॉस फोर लिखा था मैं ऐसे बैठा मैंने कहा यार पढ़ लेता कि एम मतलब क्या होता है थर्टी सिक्स क्या होता है फोर क्या होता है तो मेरा ये भी क्वेश्चन हो गया होता होता ये है ना हम लोग इग्नोर करते हैं ऐसी चीजों को इसके कारण एक साल नहीं एक साल में कुछ नहीं समझ में आता अगले साल फिर जाते हैं तो फिर दिखता है फिर लगता है यार पढ़ लेते यार दो नंबर सही हो जाता यार। एक नहीं है यार ठीक है ना यही चीज होता है तो ये फीलिंग ना आए इसके लिए मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूँ ठीक है ना चलिए एम थर्टी सिक्स इंटू फोर सी बोल्ट ऑफ माइल्ड स्टील बिल्कुल माइल्ड स्टील का हैविंग है दो सौ अस्सी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, है। अच्छा एक चीज पता है तुमको कहोगे क्या मतलब बच्चे के जुबान पे भी टिका हुआ है रटा हुआ है कि यार जब कोई स्ट्रेस दिया रहे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहे बस डिवाइड कर दो आपको भी ये पता है मुझे ये पता है कि आपको ये बात पता है कि जब भी आपको कोई स्ट्रेस दिया रहता है ईल ड अल्टीमेट आपको फटाक से फैक्टर ऑफ सेफ्टी के डिवाइड कर देते हो कोई काम आए ना आए क्वेश्चन समझ आए ना आए बस डिवाइड करना है और सभी लोग पहले के जमाने पहले ये के कैलकुलेटर के होता था अब तो वर्चुअल कैलकुलेटर है तो सभी लोग लिख लेते हैं एक जगह क्या आएगा और हम लोग क्या करते थे हम लोग भी नहीं आता आते हम लोग ऐसे डिवाइड अब आगे देखते हैं ठीक है ना वन एट्टी सिक्स पॉइंट सिक्स है ना मेगा पास कल इतना तो आ गया अब आगे देखते हैं और फील करते थे कि हमें सब आता है ये सच्चाई है सच्चाई बता रहा हूं मैं मैं गलत नहीं बोलता हूँ ठीक है ध्यान रखो देखो 45 लाइक हो गया मैं फिर से बता रहा हूँ तो 45 लाइक हो गया मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को ध्यान रखिएगा ठीक है ना मेरे को आंसर बता दो यहाँ मेरे को आंसर बता दो यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन क्या कह रहा है आप कह रहे हैं सेफ स्टेटिक टेंसाइल लोड ये क्या ये स्ट्रेस हो गया अरे यार ये क्या स्ट्रेस मैंने कहा स्ट्रेस अपॉन एरिया मैंने कहा फोर्स चाहिए बे कहता अच्छा ठीक है चिल्ला कह रहे हो देते हैं स्ट्रेस इनटू एरिया मैंने कहा स्ट्रेस इनटू एरिया क्या है कह रहा पाया फोर डी स्क्वायर मैंने कहा स्ट्रेस क्या कहता एक मेगापास्कल छियासी पाई बाय फोर अरे डाया स्क्वायर अरे डाया 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 छत्तीस पी कितना आया बताओ पी कितना आया बताओ पॉइंट सेवन एट फाइव इंटू थर्टी सिक्स स्क्वायर ओ माई गॉड वन एटी नाइन वन एटी नाइन नाइन सेवन अच्छा इसको किलो न्यूटन में लिख दें क्या बिल्कुल ये न्यूटन में आया है तो वन एटी नाइन पॉइंट नाइन बोले तो वन नाइनटी किलो न्यूटन कर दो चलो अरे गजब और जब ये आंसर आ जाए और बगल में लिखा हो टू मार्क्स मतलब भाई साहब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात मानिएगा अगर ऐसा आंसर आए ऑप्शन में हो और आपने किया है, वो सही हो आपको लग रहा हो यहां से सही है और आप लिखा हो बगल में दो मार्क्स तुरंत पानी का बोतल खोल के एक घोट पानी पीना क्योंकि तुमने फतेह हासिल कर लिया दो नंबर पे बहुत बड़ी फतेह हासिल होती है गेट में दो नंबर पे सर इज देयर की जॉइंट इन सिलेबस शिवा कुमार की ज्वाइंट देखो मैंने पढ़ाया है कोई बड़ा चीज है नहीं मैंने आपको पहले ही पढ़ाया एक मैंने मैंने जो आई थिंक मेरे को मेरे को जो लगा है मुश्किल से दस मिनट लगा होगा दस मिनट पढ़ाने में लगा है ठीक है ना जाके पढ़ लोग संडे को जो तीन घंटे का मैराथन लिया ना उसमें पढ़ाया है संडे को तीन घंटे का मैराथन लिया है और तुम्हें सिर्फ की ज्वाइंट पढ़ना है तो तुम्हें मैं बता देता हूँ मैंने की ज्वाइंट स्टार्ट किया था बारह बज के नहीं नहीं पावर स्क्रू स्टार्ट किया था उससे तो जस्ट पहले ये किया था बिल्कुल हाँ तो मैंने स्टार्ट किया था बारह बजे के आसपास तो मतलब दो घंटे के बाद तुम उस वीडियो को देखना वो साढ़े तीन घंटे का है तो दो घंटे के बाद अप्रॉक्स देखना की जॉइंट वहां है उसमें संडे को भी एक क्लास लिया थ्री आवर मैराथन मशीन डिजाइन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी छोड़ना ही नहीं है तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चिंटू देखना अरे सर लाल हो गया ही तो बवाल हो गया क्या बोल रहा है सेफ स्ट्रेस अब देखो की ज्वाइंट अगर आप पढ़ते हो ना तो बस सियरिंग और क्रसिंग है सियरिंग और क्रसिंग में क्या सियरिंग में डब्ल्यू इंटू एल एरिया होता है और यहाँ टी बाई टू इन एल होता है और क्या यही तो होता है और ख़त्म कहानी कि क्या है भैया सैडल की शेंक की खत्म कहानी दो छः चार लाइन है दस मिनट में खत्म है पढ़ लो अरे अमन आनंद थैंक यू डियर तुम न मेरे रुको अभी मेरे को तुम यहाँ से गुड नाइट बोल के जानना अभी मत जानना ठीक है कई सारे बच्चों को मेरी चिंता है देख रहे हो कितने बच्चे प्यार करते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है सर सो जा सर सो जा सर सो दिल दिलदम दर्द करता है उनका क्या कहते हो सो जाया जाए दो घंटा तो हो गया पचास लाइक नहीं आया अभी तक पचास लाइक नहीं आया अभी तक पचास लाइक करो फिर चलते हैं खत्म करानिए अपन को पचास लाइक चाहिए तभी अपन ही लेंगे यहां से सी मतलब कहा लिखा है सी का मतलब कोर्स थ्रेड होता है एक होता है फाइन थ्रेड एक होता है कोर्स थ्रेड स्वप्निल हाँ, बवाल है ना वही तुम कह रहे थे लाल बवाल हो गया था सी फॉर कोर्स थ्रेड है बाबा अरे सर का मूड से नहीं लग रहा अरे मैं कह रहा हूं ना मैं मेरे को तो लगता है मैं नाइट मैराथन ले लूँ मतलब नाइट का आठ घंटा दस घंटा क्लास एकदम दबा के लूँ एकदम अरे गजब 51 हो गए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बच्चा लोग थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच देखो मतलब कितने प्यार करते हैं बच्चे ठीक है ना एक चीज और बताता हूँ बच्चा लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा टोटल अंठावन क्वेश्चन है अरे यार क्या है यार ये तुम पेन आया करो हाँ टोटल अंठावन क्वेश्चन है रिविटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट में रिविटेड वेल्डेड बोल्टेड ज्वाइंट में अंठावन क्वेश्चन है तो बेटा हमने अभी तक थर्टी फाइव कर लिए हैं आई थिंक uh, मेरे हिसाब से है ना ट्वेंटी कितना हो गया ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री के अप्रोक्स और बचा हुआ है यही ना ट्वेंटी थ्री अप्रोक्स बचा हुआ है तो अपन अगले सेशन में करें बताओ हाँ या ना क्या है सर हमारे कमेंट मात्र से पूरा सेशन मजा ला लेता है सर कितने घंटे हाँ अरे वाह आप लोग ना देखो एक चीज बताता हूँ आप लोग ना लाइव आया करो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव आया करो दूसरी चीजें कमेंट करते रहा करो देखो पढ़ने का एक अलग ही अंदाज होता है देखो आप लोग जब कमेंट करते हो जब आप लोग साथ होते हो ना तो मतलब पढ़ाने का एक अलग ही अंदाज होता है मतलब अलग से एनर्जी आ जाती है अब सोचो इतनी रात है, भी है मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी मैं इस क्लास के बाद आप कल सुबह में पढ़ा रहा हूँ ट्रस्ट आपको पता होना चाहिए मैं सुबह की मैकेनिक्स की क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ ट्रस्ट जो मैकेनिक्स में या गेट में दो मार्क्स मार्क्स का आता ही आता है है ना अकल मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाला हूँ आपको शायद ये भी पता होगा कौन सी गेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाला हूं कल कल करने वाला हूं कल कल सुबह आठ बज के पैंतालीस मिनट ठीक है ना अगर आप लोग सो के उठ जाते हो अगर सो के उठ जाते हो आठ बज के पैंतालीस नौ बजे तक मैं ऐसे क्योंकि मैं आठ पैंतालीस पे, पे होता है तो थोड़ा बहुत मतलब मैं भी क्योंकि जो क्लास चलती रहती है बैक एंड पे तो मैं नहीं छेड़ता हूं इसलिए मैं थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट दस मिनट बारह मिनट थोड़ा सा डिले ही क्लास में चलता है तो अपन स्टार्ट कर देते हैं अप्रोक्स नौ बजे तक तो क्लास अपन की पूरी फुल स्टार्ट हो जाती है तो ट्रस्ट का ये कल सेशन होने वाला है दो नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं गेट में सारे गेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ नए क्वेश्चन ये सारी चीजें कराऊंगा मेथड ऑफ सेक्शन सीखेंगे तो कल सुबह तो आप लोग तो जब लाइव सेशन में आते हो ना है ना हाँ बिल्कुल टू वे इंट्रेक्शन सेशन होता है बिल्कुल हाँ अरे बावन हो गए दुर्गा लाल फिफ्टी टू साढ़े दस तक मिल जाते हैं अरे देखिए एक चीज बता रहा हूं सुबह आठ बज के पैंतालीस मिनट पर ये जो क्लास चलती है देखो बेटा सुबह सुबह ना मैं एक तो सोच लो कि तुम लोग को रात में गुड नाइट करने आता हूं और सुबह सो के उठाने के लिए आता हूं मेरा काम यही है और कुछ नहीं ठीक ना तुम सुबह सो के उठोगे तुम्हें फुल ऑफ एनर्जी दिया जाएगा एक सोच लो एक तुम्हारा सुबह का एक गिलास जूस जितना एनर्जी दे सकता है या वंस एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे तो वो एक एप्पल के बराबर मैं आपको उतनी एनर्जी दे सकता हूं उतनी किलो कैलोरीज दे सकता हूं ठीक है ना फैट बर्न कैसे करना है आपको मैं ये चीज बता सकता हूं क्योंकि आप लोगों को मैं बताता हूं मैंने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया हुआ है फैट बर्न ठीक है ना और ये सब चीजें मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कैसे जागृत रहना आपको कैसे रहना है मतलब चीजों को कैसे हैंडल करना है ये सिखा सकता हूं तो ये सारी चीजें के लिए आप सुबह एक क्लास में जरूर आया करो शुरू के पांच सात दस मिनट में जो हम अपना ज्ञान देते हैं ना वो ज्ञान सुना करो बहुत जरूरी है वो ज्ञान ठीक है ना आई एम थर्ड ईयर सेवा कुमार न आई गो डायरेक्टली विदाथन सेशन सिवा तुम जाओ अगर तुम्हारा दिल गवाही कह देता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं तो जरूर जाओ और जाके वो मैराथन लो मैराथन से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर तुम्हें ऐसा फील होता है क्योंकि बेटा मैंने मैराथन में पूरा डिटेल में पढ़ाया है ठीक ना सही बात है बिल्कुल सत्य है सर मैकेनिक बेसिक्स से पढ़ा रहे हैं क्या बिल्कुल अमन पूरा बेसिक से चल रहा है बेटा टेंशन मत लो आज मैंने ट्रस्ट को पढ़ाया पूरा डिटेल में कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो जितने मेरे भाई ट्रस्ट से डरते हैं वो कल सुबह आठ बज के पैंतालीस मिनट के सेशन पे जरूर everyone, आए आई रिक्वेस्ट एवरी वन आइए जरूर आइए बिल्कुल मेरे भाई आइए और कल सुबह ग्यारह बजे गेट का लाइव टेस्ट होगा किसका लाइव टेस्ट होगा सर जी मशीन डिजाइन का ही होगा मशीन डिजाइन का लाइव टेस्ट होगा एक टेस्ट रह रहा है मशीन डिजाइन का तो वो हम कंप्लीट करेंगे ठीक है डियर और इसी के साथ हमारे कुछ क्वेश्चन है यहां मैंने मैंने पहले ही बताया था आपको ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग को करने हैं 58 तक होंगे टोटल क्वेश्चन आई थिंक 58 है सो so, यही बस मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग को ये ध्यान रखना है कि आपकी क्लासेस सुबह आठ बज के पैतालीस मिनट पे होती हैं 8:45 फोर्टी फाइव ए okay. एम ओके आठ पैतालीस पे होती है ट्रस्ट की क्लास है बेटा ठीक है ना अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो आप ट्रस्ट की क्लास जरूर देखोगे जो बच्चे लाइव नहीं आ पाते हैं वो रिकॉर्डेड देखेंगे लेकिन देखेंगे जरूर ओके तो कहीं कोई जाएगा नहीं ठीक है ना मेरे प्यारे भाई गेट का एक साल का और दो साल का बैच ये आने वाला है प्लस पे आलोक लाइव कोड लगाकर ज्वाइन करिए ठीक है ना जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं रिक्वेस्ट टू एवरीवन फटाफट जाइए और फटाफट ज्वाइन करिए प्लस क्योंकि तो प्लस एक अलग ही प्लेटफॉर्म है सीरियसली एक अलग प्लेटफॉर्म है आपको वहाँ पूरा डिटेल मैनर में हर एक चीज प्रैक्टिस सेट के साथ मिलता है जब टीचर के साथ आपका रियल कनेक्शन होता है ना तब तो आपको पता चलता है रियल पढ़ना कैसे है ठीक है ना ऐसे तो आप YouTube के माध्यम से पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर आपको फील होता है कि मैं YouTube से पढ़ सकता हूं तो आप YouTube से पढ़िए कोई जरूरत नहीं फिर प्लस लेने की अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा मैं इधर उधर भटक रहा हूं कि मेरे को ये चीज छूट जा रही है मेरे को वो चीज छूट जा रही है मेरे को आधा अधूरा पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फिर प्लस ज्वाइन कीजिए ठीक है ना तो इसको ध्यान रखिएगा गई नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर आईकोनिक अगर आप हमारे साथ यहाँ जुड़ना चाहते हैं ये प्लस पे जुड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई तो आपको लाइव क्लास वीकली टेस्ट डाउट सॉल्विंग सेशन ये सारी चीजें सिर्फ प्लस पे ही मिलती है ध्यान रखिएगा ये प्लस की इतनी सारी बेनिफिट है तो बेटा एक चीज बता दू गेट का सबसे सस्ता फीस है ठीक है ना अनकेडमी का फीस गेट का सबसे सस्ता फीस है ध्यान रखिएगा सर क्वेश्चन कराओ कल सुबह यस कल सुबह बेटा क्वेश्चन करेंगे अक्षय एक्सी वाला बेटा मैं प्लान किया बीस तारीख से बीस तारीख से बेटा बीस तारीख से एक घंटा डेली नाइट का कोई एक टाइम रखेंगे बीस तारीख से डेली एक घंटा नाइट का कोई टाइम रखेंगे या तो डे का ही टाइम रख लेंगे वो मैं देखूंगा क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे काम होते हैं ठीक है ना ये सारी चीजें मैं करने वाला हूं नाउ गाइज इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन तो आप हमारे साथ यहां जुड़ते हो आपको मिलता है आइकॉनिक पे आप अगर लेना चाहते हो तो आइकॉनिक पे आपको पूरा प्लस फ्री मिलता है आइकॉनिक में सबसे बड़ी बात ना आपको एक गाइड गाइड मिलता है ध्यान रखिएगा एक पर्सनल कोई एक सही गाइडेंस और उसके साथ नोट्स ये सारी चीजें मिलती हैं ध्यान रखिएगा ठीक है ना मेरे भाई ध्यान रखो ये सब चीजों को और गोल सेलेक्ट करो गेट एंड सेक्शन में हम लोग आपको मिलेंगे देन गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ देन इसका तीन तरीके का प्लान सबसे पॉपुलर प्लान हमारा बारह महीने का देन अट्ठारह महीना आ गया है आपके लिए देन दो साल दो साल सबसे बेस्ट मैं मानता हूं मेरा मानना है दो साल इज द बेस्ट प्लान वाई बिकॉज गेट ई एस सी आप गेट का दो बार दे सकते हो अपनी रैंक सुधार सकते हो ई एस सी में पूरा सीरियसनेस से सा पेपर दे सकते हो ई एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी का बैच अभी चल रहा है बाईस गेट दो हजार तेईस का बैच चल रहा है आप ये ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट है क्रैश कोर्स वगैरह सब मिलेगा आलोक लाइव कोड लगाओ फीस इज थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सर इतना पैसा देना पड़ेगा नहीं बेटा ई एम आई करो सोलह सौ पचास रुपए पर मंथ 1650 सौ पचास रुपया पर मंथ बेटा हंड्रेड फिफ्टी आपके क्रेडिट कार्ड में इतना रुपया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इतना ईएमआई भर सकते हैं दैट्स इट अरे यार वॉशिंग मशीन खरीद लोगे ठीक है ना आई थिंक इससे महंगा इससे महंगा तो लैपटॉप खरीद लेता है कोई ठीक है ना सो so गाइस समझने की कोशिश करो दो साल तक तो तुम आराम से अपनी जिंदगी बना सकते हो इस चीज को ध्यान रखना

मेरा जन्म ही हुआ है मैराथन लेने के लिए आपका शॉर्टकट देने के लिए मैराथन लेने के लिए ही जन्म हुआ मैं लूँगा वो टेंशन मत लो तो ठीक है ना अमन से सर ईएमआई एम का प्रोसेस क्या बेटा देखो ईएमआई का प्रोसेस सर एक है आप जाओगे वहाँ चूज करोगे प्रोसीड टू आलोक लाइफ कोड लगाओगे दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा फीस कम हो जाएगी फीस कम होते ही आप लोग इस पे जाओगे प्रोसीड टू पेमेंट वहां जाते ही आप देखोगे क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन आएगा क्रेडिट कार्ड आप क्लिक करोगे अगर आपका एच डी एफ सी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हो डेबिट कार्ड में ई एम आई सिर्फ एक बैंक में एच डी एफ सी में क्रेडिट कार्ड में अपना बैंक चूज करो आप देखो आपका कार्ड लिमिट कार्ड लिमिट सब कुछ उनतालीस हजार छह सौ का अगर है तीस चालीस हजार का क्रेडिट कार्ड लिमिट होगा ही ठीक है ना अगर कार्ड लिमिट में आपको कार्ड के अंदर सोलह सौ पचास रुपए है क्रेडिट कार्ड के अंदर सोलह सौ सो पचास रुपये तो आप फटाक से आप ज्वाइन कर सकते हो खरीद लो हर महीने सोलह सौ पचास रुपए एज ए ट्यूशन फीस आपका कटेगा दैट्स इट दो साल तक आराम से कटेगा एक रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा ध्यान रखना इन सब चीजों को समझो मजा ला दिया बस ध्यान <laughs> रखो सो so गाइश आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल पे सभी लोग ज्वाइन करेंगे फटाफट सभी लोग सभी लोग सभी लोग ध्यान रखना सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन बहुत 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 मजा आया यस सो विल मीट अवर देशन एट फोर्टी फाइव ए एम ठीक है ना ट्रस्ट एंड प्रेम पार्ट टू जिसका लिंक मैं अभी आपको दे दूंगा आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल में यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम सिंपली यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम आलोक लाइव एंड आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप आलोक सर की गाइडेंस में आ सकते हैं ना आप आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल में आएंगे तो आपको हर एक चीज वहां प्रोवाइड होता है आपको मिलते हैं, आपको सारे लिंक मिलते हैं क्लास के, आपको हर एक, एक चीज का हेल्प मिलता आलोक लाइव टेलीग्राम चैनल में आप हुक्म तो करो मेरे आका का हर चीज मिलेगा यहाँ सो गाइज थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरी थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन सो टिलन इंजॉय बाय तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत